नमस्कार बच्चों मैं सुजीत कुमार मैथ्स फैकल्टी एस एस सी ट्यूब पे सबका वेलकम है बच्चों गुड मॉर्निंग जैसा कि बच्चों आज अपने क्लास शेड्यूल है मैथमेटिक्स के लिए आज थैंक यू ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग थोड़ा सा जग जाओ सभी लोग देखो बच्चों जैसे मैं आज आपको जानकारी दे दूं कि मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर होता है जिसको हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बोलते हैं आज अपनी क्लास संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से शुरू होगी ओके okay. तो देखो बच्चों नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आज वो कोई डेमो की तरह बात नहीं करेंगे आज प्रॉपर एक क्लास की तरह बात करेंगे जैसे आपको पहली क्लास मिलती है मैथमेटिक्स की उसको स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का बिल्कुल मैं मामूली एलिमेंट्री बेसिक जहां से शुरू होता है जिसको बोलते हैं जीरो से शुरू करोगे वन से देखो मैं जीरो तो है ही सब कुछ हम वन से शुरू करेंगे मीन्स इस चैप्टर का बिल्कुल मामूली पॉइंट बेसिक पॉइंट जो रहेगा वहां से लेकर अप टू मेन्स का ये हम लोगों का टारगेट है कि इस चैप्टर को वहां तक लेके जाएंगे राइट right? सो so, सब लोग आ गए जल्दी जल्दी ओके okay. सब बच्चों गुड मॉर्निंग मैं अच्छा हूं बच्चों आप सब कैसे हैं लास्ट क्लास का क्वेश्चन होमवर्क वाला uh, दीपक बेटा अभी ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं तो वो नहीं वैसे वैसे, वैसे और भी क्वेश्चन अपने डिस्कशन में आएंगे अपने असाइनमेंट में आएंगे अपने क्लास में ही आएंगे आकाश गुड मॉर्निंग बट क्योंकि आप सबको टाइम शेड्यूल आज मालूम क्या है कि चार घंटा तक आज मेरी क्लास आपके लिए तो लिखता रहूंगा और आज प्रॉपर इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कोई भी डाउट आपका नंबर सिस्टम का किसी भी तरीके का छोड़ना नहीं है बिल्कुल मामूली क्योंकि हो सकता है किन्नी बच्चों को प्रॉब्लम रहे बिल्कुल बेसिक है किन्नी बच्चों को अपना बेसिक पहले से तैयार है बट डोंट वरी शुरुआत तो बिल्कुल वहां से करनी है जैसे चैप्टर शुरू होएगा, बट सबकी क्वेरी सबका लेवल सबकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी इस चैप्टर में आप सबकी देखते हैं देखो तो बच्चों सबसे पहले जो नंबर्स की शुरुआत होती है जो गिनती की शुरुआत होती है अपने डेमो क्लास में भी डिस्कस हमने किया था नंबर की शुरुआत बच्चों प्राकृत संख्या संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं से होती है देखो उस दिन कुछ चीजें डिस्कस की थी आज हम इसका एक प्रॉपर स्टडी करेंगे एक प्रॉपर अध्ययन करेंगे देखो बच्चों नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है गिनती हमारी वन से शुरू होती है जीरो से शुरू नहीं होती है ये आप ध्यान रखेंगे इट इज वन कोमा टू कोमा थ्री एंड अपटू सोन जैसा कि उस क्लास में डेमो क्लास में भी बोला था कि आप टू इनफाइनाइट आप लिख दो मैं कह रहा हूं डैश डेस्ट लिख के छोड़ दो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता ये एक सिंबल है ये उस दिन भी बात की थी हम लोगों ने राइट तो देखते हैं सबसे पहले हमने बात की नेचुरल नंबर की वन टू थ्री एंड सोन देखो इसमें जीरो नहीं है आज क्या करने वाले हैं बच्चों सबसे पहले इन सब के कैटेगरी डिफाइन करेंगे किस नंबर को क्या बोलते हैं क्या कहा जाता है सारा डिस्कशन करेंगे इनपे कैसे कैसे फॉर्मुलेज बनेंगे कैसे ट्रिक्स बनेंगे कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं कैसे आने की संभावना है ये सब चीज आज प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं हम लोग राइट दीपक मेरा नंबर आप ट्यूब ही मेरे मुझसे जुड़े रहिए मैं इसी पे अवेलेबल हूं क्लास कब कब होगी ये अकॉर्डिंगली आपको पता लगता रहेगा और आप कहोगे जब मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा डाउट सेशन के लिए भी तो डोंट वेरी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बोलते हैं देखो इनको बच्चों अच्छा अगर इस सेट में इस नंबर्स के सेट में मैं जीरो भी डाल दूं अगर इसमें जीरो भी डाल दिया जाए तो देखो वही के वही सारे नंबर है बच्चों लेकिन एक चीज फालतू हो गई ये जीरो मैंने फालतू अगर इसमें डाल दिया तो इस सेट का नाम नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या ना रह के इसका नाम होल नंबर होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है राइट बस मामूली सा चेंज ये हुआ कि इस वन से पहले अगर हमने इसमें जीरो डाल दिया तो जीरो डालने की वजह से ये होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाएगा यहां पे ना एक कंफ्यूजन शुरू होता है बच्चों को जी पूर्ण संख्या और पूर्णांक होल नंबर और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है धीरे धीरे उसी पे आने वाले हम शिवम नमस्ते तो देखो बच्चों सिर्फ यहां मामूली चेंज ये है कि होल नंबर और नेचुरल में कि नेचुरल में जीरो नहीं होता और होल नंबर में जीरो होता है राइट देखो इसी के बाद में अगर आपको बोलूं बच्चों इंटीजर्स इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं जैसा नाम बताता पूर्णांक पूरांक आप जी ये काम तो पूर्ण संख्या में भी था हाँ बिल्कुल था देखो बच्चों इंटीजर्स और पूर्णांक में ये फर्क है कि यहां सारे पॉजिटिव देखो जीरो का कोई साइन नहीं होता है राइट जीरो को छोड़ के सारे पॉजिटिव थे यहां माइनस वन माइनस टू माइनस टू एंड सोन इधर भी तो ये जो सेट बन गया ये इंटीजर्स कहलाता है अब नामकरण की बात करो तो देखो होल नंबर को W से दिखाते हैं इंटीजर्स को कोई Z से बता सकता है ऐसे थोड़ा सा निशान लगा ये जेड़, जेड़ इसकी के नोटेशन है Z फॉर इंटीजर आप कहो जी आई फॉर इंटीजर हमने कई जगह लिखा देखा है हाँ ये डिफरेंट ऑथर्स अपना एक कन्वेंशन बना लेते हैं बट नोटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बच्चों जितना ये आपके लिए इनकी डेफिनेशन और उनका मीनिंग रहेगा स्टैंडर्ड कन्वेंशन में जेड से दिखाया जाता है बाकी मैं कह रहा हूं इनकी जेड है कि आई है लिखना पड़ता है ऐसे आई आई फॉर इंटीजर और जेड एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन होती है हम इसको मानते हैं अगर आप इसका डीप स्टडी किए हैं तो बाकी कोई फायदा नहीं है कि नोटेशन आई से है कि जेड से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुधाकर गुड मॉर्निंग बेटा आई और जेड मीन्स इंटीजर अभी आप सिंपली समझो नेचुरल वन टू थ्री था होल नंबर में जीरो डाल दिया इसी होल नंबर को देखो अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिख दिया जाए तो ये इंटीजर्स पूर्णांक कहलाता है राइट right? ओके okay. अब यहां एक बात निकल के आती है इससे आगे जाने से पहले ना मैं आपको सम और विषम संख्या के बारे में बात करूंगा सम माने इवेन नंबर होता है और विषम माने ओड नंबर होता है हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन है ये माने क्या ओड नंबर माने विषम संख्या अब देखो अपने बड़े हां क्लास अभी क्लास बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है फर्स्ट लाइन यही चल रही है आप जल्दी से कनेक्ट करें इविन नंबर आपने देखा मैंने इविन नंबर का जो कैटेगराइज करने की कोशिश की वो कहां से की वो नेचुरल नंबर से की है ना ध्यान देना यहां पे ना एक ऑब्जेक्शन पॉइंट डिस्कस होगा इसलिए मैं पहले उसको दूर कर लेता हूं देखो इविन नंबर और ओड नंबर हम सब जानते हैं सम संख्या क्या होती है राइट प्लीज बच्चों आंसर दीजिए मुझे सम संख्या क्या होती है जानना चाह रहा हूं मैं आपसे कि आप ये बात जानते हैं कि नहीं कि व्हाट इज ईविन नंबर व्हाट इज सम संख्या, व्हाट इज ओड नंबर व्हाट इज विषम संख्या ये आप मुझे बताएं सम संख्या क्या होता है आई एम वेटिंग फॉर यू शिवम दो चार छह दो से डिवाइड यस यही यही मैं जानना चाह रहा था बच्चों से की सम संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए बिल्कुल सही कह रहे हैं ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू इज सेट टू बी इवन नंबर यदि कोई संख्या sorry divisible by 2 uh, and rest of number that divisible by 2 number are okay okay देखो, जो संख्या दो से भाग हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं जो संख्या दो से भाग ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं बिल्कुल आपने सही कहा टू फोर सिक्स एट एंड सो ऑन चलता रहेगा ये सम संख्या होंगी और विषम संख्या एक तीन पांच सात नौ इसी तरीके से ये चलता रहेगा बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू इज नंबर नंबर सम संख्या नॉट डिविजिबल दैट इज विषम संख्या ओड नंबर करेक्ट यू आर गुड एनएफ मुझे यहां पूछने का मतलब क्या था और क्या मैं यहां से जानना चाह रहा था आपसे ध्यान देना बच्चों एक बात पूछ रहा हूं मैंने अपने पूछ, मैंने पूछा कि इवन नंबर क्या है आपने कहा ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू राइट तो हमने शुरुआत की तो देखो दो चार छ से हमारा सम संख्या बन गया मैं आपसे ये पूछू अगर मैं जीरो को दो से डिवाइड करूं जीरो इज डिवाइडेड बाई टू तो चेक करते हैं बच्चों ये भाग होता है कि नहीं जीरो को अगर दो से डिवाइड करते हैं तो जीरो को यहां रखा दो को यहां ये जीरो पे ही गया और जीरो ही रिमाइंडर बच गया और हम जानते हैं कि अगर कभी रिमाइंडर जीरो बच जाता है तो वो दो से पूरा भाग होता है मानते हो तो मैं यहां से ये बात बोलूं जीरो इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू जीरो इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू लेकिन आप लोगों ने जीरो को संख्या नहीं बताया राइट क्या कारण है ये कि जीरो को हम सम संख्या नहीं बताते आपने दो से कहा दो से शुरू होता है मैंने भी दो से लिख दिया हम जो भी किताब बुक्स नोट्स पढ़ते हैं सब में पहली इवन नंबर पहली सम संख्या अपनी दो से शुरू होती है लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि जो ये डेफिनेशन है डेफिनेशन है ये तो ये बोलता है कि नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू मैंने जीरो को दो से डिवाइड करके देखा देखो बच्चों वो तो कंप्लीट डिवाइड हो गया राइट right? अब बताएं क्या एरर है अब बताए क्या प्रॉब्लम है कि हम जीरो को सम संख्या में शामिल नहीं कर रहे दो से शुरुआत कर रहे हैं ऐसा क्या रीजन है ऐसा क्या कारण हो गया बीच में कि हम जीरो को नहीं लिख पाए सोचो और मुझे आंसर दो वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का अगर आप लोग सही बताएंगे तो बहुत बड़ा आपको शबा शावा, मिलेगा नहीं तो मैं आपको बताऊंगा जीरो इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ टू पुष्पेंद्र जी आप कह रहे हैं जीरो इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ टू देखो जब वो उससे पूरा भाग हो जाए तो वो मल्टीपल हो गया मैं कह सकता हूं टू इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आप कुछ हद तक सही है लेकिन एग्जैक्टली exactly अगर बाय स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात की जाए स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की जाए तो ये चीज दूर तक वैलिड नहीं होगी समझने के लिए अच्छा है क्योंकि यस गुड अनमोल यू आर गुड एनफ प्रशांत ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे ओके ओके प्रशांत जी आप बता रहे हैं कि यहां मल्टीपल हम जीरो से शुरू नहीं करेंगे यहां आप करेक्ट हैं बिल्कुल क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है गुड 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं देखो इसीलिए आप इस लाइन को देखें मैंने जो यहां कैटेगरी डिफाइन की वो किस सेट से किस फैमिली से उसको अलग करने की कोशिश की नेचुरल नंबर से अलग की और देखो नेचुरल नंबर में खुद ही जीरो नहीं है नेचुरल नंबर में खुद ही जीरो नहीं है तो भाई ना तो वो इविन की तरफ जा सकता ना तो वो ओल्ड की तरफ जा सकता मतलब आप सही जानकारी रखते हैं शाबाश बेटा तो कभी भी आपको इसका सटीक आंसर देना है कि इवेन नंबर ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू एम सॉरी आई एम सॉरी ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू इज इवेन नंबर लेकिन देखो हम वो इवेन ओड को अलग कर रहे हैं नेचुरल नंबर के घर से उसमें खुद जीरो नहीं है तो वो किसको बांट सकता जीरो इवेन ओड में से राइट यहां आप बिल्कुल दुरुस्त जानकारी रखते हैं करेक्ट है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे कि जीरो इवन नंबर क्यों नहीं है ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो माइनस टू भी आएगा है ना तो जिस जगह से बंटवारा किया इवन ओड का हमने देखा उसमें जीरो नहीं है तो जीरो ना तो इधर जाएगा ओड नंबर में ना तो इवन नंबर में बहुत अच्छे बहुत बढ़िया शाबाश बिल्कुल जानकारी देखो ऐसे छिटपुट छिटपुट जो एरर्स हैं वो मैं आपसे पूछता रहूंगा आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया नहीं तो दूर करता रहूंगा और आगे बढ़ते हैं इस बात पे अब राइट तो बच्चों कनेक्ट हो जाओ नेचुरल नंबर क्या है होल नंबर क्या है इंटीजर्स क्या है पूर्णांक क्या है और इवन ओड क्या है और उसमें जीरो क्यों नहीं है जस्ट ये जानकारी मैंने आपको अभी तक दी डन चलिए जी आगे बढ़ता हूं बच्चों देखो अब इंटीजर्स के बाद अपने को अच्छा एक पॉइंट मिलता है पढ़ने को अभी दट इज प्राइम नंबर नंबर देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम नंबर प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं अभाज्य बोलते हैं या रूढ़ संख्या भी बोला जाता है कोई एक चीज बोल सकते हैं आप प्राइम नंबर और रूढ़ संख्या नंबर विच इज डिविजिबल divisible वन एंड and itself ओनली यदि कोई संख्या एक और अपने अलावा किसी से भी भाग ना हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं जैसे टू देखो दो को लिख सकते हैं दो गुना में एक और एक गुना में दो हम ये भी कह सकते हैं इसकी एक डेफिनेशन चाहो तो ये भी कह सकते हैं से ए नंबर ए ए इज सेट टू बी प्राइम आई डब्ल्यू एफ का मतलब होता है बच्चों इफ एंड ओनली इफ ऐसा है तो ही होगा नहीं तो नहीं होगा आई डब्ल्यू एफ इफ एंड ओनली इफ ए कैन बी रिटर्न एज वन इंटू ए एंड ए इंटू वन ओनली मतलब अगर कोई नंबर ए जैसे टू है उसको हम एक गुना में ए और ए गुना में एक सिर्फ इन दो फैक्टराइजेशन में ही लिख सकते हो तो ये प्राइम है वरना नहीं है मैंने एग्जांपल लिया वन देखो बच्चों ध्यान देंगे अभी यहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन कहती है नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय सेल्फीबल एंड इट सेल्फ ओनली मैं ना वन की बात करना चाहता हूं और यहां एक बात पूछना चाह रहा हूं एक, -एक से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है जी एक अपने आप से डिवाइड होता है होता है देखो अगर इस डेफिनेशन को हम हल्के तौर पे पढ़ लेंगे तो क्या पता लगेगा एक अपने आप से भाग होता है हाँ होता है जी एक एक से भाग होता है बिल्कुल होता है तो क्यों नहीं है ये प्राइम क्योंकि देखो ये चीज रोक रही है उसको प्राइम होने से इसका फैक्टराइजेशन सिर्फ यूनिक है दैट इज वन इन टू वन एक गुना में एक ही है हमें सिर्फ दो चाहिए एग्जैक्टली दो चाहिए ना उससे कम चाहिए ना उससे ज्यादा कम होंगे तो भी प्राइम नहीं है ज्यादा होंगे तो भी प्राइम नहीं है इसलिए ध्यान रखना वन इज नॉट ए प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है तो पहला प्राइम नंबर तो देखो क्या कहलाएगा दो कहलाएगा राइट ये डेफिनेशन हुई हमारी प्राइम नंबर की कि अगर किसी नंबर ए को प्राइम बनना है तो सिर्फ उसके दो फैक्टराइजेशन हो दो तरीके से हम उसको गुणनखंड उसके कर सकते हो एक गुना में ए और ए गुना में एक क्योंकि वन का ऐसा नहीं हो पाया तो वन रिजेक्ट हुआ वन इज नॉट ए प्राइम नंबर ओके चलो बच्चों तो वन को हटा देते हैं वन प्राइम क्यों नहीं है पता लग गया आपको अब दो प्राइम है फिर तीन प्राइम है फिर पांच प्राइम है फिर सात प्राइम है सोन। देखा जाए तो देखो एक से लेकर 100 तक बच्चों ऐसे ऐसे पच्चीस प्राइम नंबर हैं माइनस टू इज इवेन और ओड नंबर दीपक जी देखो इवन ओल्ड का जो केस है आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो मैंने इवन ओल्ड को जो कैटेगराइज किया था यहां पे लिखा था कॉर्नर पे वो इवेन ओड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राकृत संख्याओं से और प्राकृत संख्याओं में ना तो जीरो होता तो माइनस तो आना ही नहीं है इसलिए सॉरी आपका सवाल है इवन इवन माइनस टू नहीं होगा इवन नंबर नहीं बोल सकते देखो एक से शुरू हुआ था नेचुरल और नेचुरल के घर से हमने इवन और ओड डिस्ट्रीब्यूट किया तो वहां पे जीरो या माइनस नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा मतलब आपका जो प्रश्न है माइनस टू इज इवन और ओड, ना तो ये इवन है बच्चे ना तो ये ओड है मेरे भाई डन तो है क्या ये इंटीजर है आपको जो इवन इंटीजर बोल सकते हैं क्या इवन इंटीजर बोल सकते हैं अगर इंटीजर बोल दोगे तो ये है लेकिन देखो जब तक तो इंटीजर नहीं बोलोगे सिर्फ इवन बोलोगे और इवेंट की कैटेगरी हम डिफाइन करते हैं नेचुरल से तो ये नहीं है माइनस टू इवेंट नंबर नहीं है डन ओके जी तो प्राइम नंबर देखो आप एक से लेकर 100 तक के मैंने बात की तो पच्चीस प्राइम होते हैं अलग अलग करोगे तो एक से लेकर पचास तक पंद्रह होते हैं और इक्यावन से लेकर 100 तक आगे दस होते हैं तो टोटल के ये पच्चीस हमारे ड्रेड हो गए राइट right? अच्छा जी यहां मुझे एक बात बतानी है आपको थोड़ा सा एक बारी मैं आपको पीछे लेके जाऊं देखो नेचुरल नंबर जो आपने लिखे थे वो क्या लिखे थे वन टू एंड ऑन तो ऐसे स्मॉल एंड से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट सॉरी कर सकते हैं अच्छा जी आपने फिर उसके बाद लिखा था इविन नंबर इविन नंबर संख्या देखे थे आप सम संख्या होती थी दो चार छ एंड ऑन इसको बेटा हम दो एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन जहां पे होगा वन टू एंड ऑन यानी कि एन कोई भी एक प्राकृत संख्या होगी दो से गुना होगी तो वो दो का मल्टीपल ही बन जाएगा राइट अच्छा जी ओड नंबर की अगर बात करेंगे मतलब मैं यहाँ पे एन की फॉर्म बताना चाहता हूँ एन नोटेशन एन के बताना चाहता हूं ताकि अपने को पता लग जाए फिर आ, ओड नंबर क्या होते थे देखो वन होता था थ्री एंड सोन वन थ्री फाइव तो देखो हम क्या बोलेंगे टू एन माइनस वन यहाँ पे ध्यान देना ओड नंबर की नोटेशन होगी टू एन माइनस वन और एन की वैल्यू वन टू थ्री एंड सोन हो जाएगी राइट right? आप ये कह सकते हो कि सर क्या टू एन प्लस वन भी तो ओड की नोटेशन होती है देखो बच्चों अगर टू एन प्लस वन आप लिखोगे तो एन की वैल्यू को जीरो रखना पड़ेगा और हम क्योंकि सारी चीजें सारे, सारे कैटेगराइजेशन इस इधर कॉर्नर पे देखोगे तो नेचुरल नंबर से करते जा रहे हैं तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है तो सही बताऊं तो स्टैंडर्ड ये है लेकिन जब इनमें गैप दो का है तो अगर वन को छोड़ दें यहां पे एन को वन रखेंगे तो एन को वन रखेंगे दो गुना में एक दो तीन से शुरू होएगा है ना तो ये तीन आएगा तो हम यहां पे यह कहना चाह रहे हैं कि टू एन माइनस वन एन जब नेचुरल हो टू एन प्लस वन जब एन को आप होल नंबर से पुट करना चाहते हो राइट अच्छा जी फिर क्यों डिस्कस करेंगे एन को स्मॉल एन से इवन को टू एन से ऐसे तो इसको भी फिर टू एन प्लस टू से डिनोट कर सकते हैं वो अलग अलग कहानी शुरू होती जा रही है कि जब हम एन को नेचुरल या होल नंबर क्या कंसिडर करते हैं सो so, ओड को टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन जैसा आपको उचित लगे इसको कहोगे तो होल नंबर कहोगे इसको कहोगे तो टू एन माइनस वन को कहोगे तो नेचुरल नंबर कहोगे फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई यहां पे देखो जरूरत ये पड़ गई मैं यहां पे एक बार वापस आ रहा हूं कि जब हम प्राइम नंबर पे बात कर रहे हैं तो प्राइम प्राइम नंबर की शुरुआत हुई टू थ्री फाइव सेवन एंड सोन। अगर लिखे आगे तो इट इज इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन क्या इन प्राइम नंबर को कोई एन टाइप की नोटेशन मिल सकती है नहीं मिल सकती जैसे इनका जनरलाइज हमने फॉर्मूला लिख लिया एन टू वन या टू वन माइनस वन इस तरीके से तो क्या हम प्राइम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल नहीं लिख सकते रीजन उसका देखो ये लगातार नंबर हुए इनमें दो का गैप इनमें दो का गैप इसमें चार आ गया फिर दो आ गया फिर मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है प्राइम नंबर लिखने का इसलिए प्राइम नंबर की एन टाइप की नोटेशन जैसे हम बाकी के लिए दे पाए इसके लिए नहीं दे पाए ये पहचान करके रखेंगे राइट right? बट एक बात बताना चाह रहा हूं यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं सिक्स के माइनस प्लस वन ध्यान देना बताऊंगा ये क्या है क्यों लिखना चाह रहा हूं इसके बारे में अपना के की वैल्यू को ना वन पुट कर दो जब के की वैल्यू को वन पुट करेंगे तो यह आएगा गुना में ए माइनस प्लस एक तो क्या बनेगा छुना में छे छह गुना में एक सॉरी छे छह में से एक गया तो पांच आएगा छ में एक प्लस होएगा तो सात आएगा यानी देखो पांच और सात तो आप आए सबसे पहले नोट कर लो कि इस सिक्स के प्लस माइनस वन से टू और थ्री तो कभी लिखे ही नहीं जाएंगे और बाद में जितने प्राइम हैं वो सारे इससे लिखे जाएंगे मतलब क्या बोल दूं दो और तीन को छोड़ के अगर मुझे प्राइम नंबर लिखना है तो छे के माइनस प्लस वन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इससे लिखा जा सकता है लेकिन ध्यान दिला रहा हूं बट नोट वाइस वर्षा मतलब विपरीत सत्य नहीं है इसका अर्थ क्या इसका अर्थ यह बच्चों कि इससे आने वाली हर संख्या प्राइम नंबर या भज्य संख्या होगी, ये गारंटी नहीं है लेकिन अगर वो प्राइम है तो इससे लिखी जरूर जा सकती है कैसे देखो मैं आपको बारी बारी से एक बात बताऊं के की वैल्यू को जब हमने वन रखा तो फाइव सेवन आ गया पुट करो के वैल्यू को टू तो क्या आएगा गुना में दो माइनस प्लस एक तो क्या बन जाएगा गुना दो बारह बारह में से एक जाएगा तो ग्यारह देखो सात के बाद ग्यारह था मिल गया छह गुना दो बारह एक जोड़ेगा तो तेरह ये भी मिल गया चलो जी बनी बात अगर मैं के की वैल्यू को थ्री पुट कर देता हूं तो छे गुना में तीन माइनस प्लस एक सोल्व करके देखते हैं भाई छह गुना तीन अट्ठारह है अठारह में से एक जाएगा तो सत्रह बन रही है बात छह गुना तीन अट्ठारह और एक उन्नीस तो ये भी बन गई बात फिर फिर तो ऐसा लगता है कि ये चल पाएगा चेक करते हैं देखो बच्चों ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा और मेरी स्टेटमेंट जो मैंने नोट वाइस वर्षा बोली थी वो सही भी पड़ेगी कि नहीं अब मैं क्या करता हूं के की वैल्यू को ना पुट कर देता हूं इसमें तो ये क्या बन जाएगा सिक्स इंटू फोर माइनस प्लस वन तो बच्चों देखते हैं छह गुना चार चौबीस में से 1 गया तो तेईस आ गया हाँ देखो इसके बाद जो आना था ट्वेंटी थ्री वो भी मिल गया लेकिन छह गुना चार चौबीस ट्वेंटी फोर प्लस एक ट्वेंटी फाइव करेंगे यहां पे एरर आना शुरू हो गया देखो इसकी बात मैं मान लू तो इन्होंने ट्वेंटी फाइव को भी क्या कर दिया प्राइम कर दिया जो कि ट्वेंटी फाइव तो हम जानते हैं प्राइम नंबर नहीं है तो इससे मैं जो कहना चाह रहा हूं ये ऐसा नहीं कि बारी कि बार ये आगे भी आता रहेगा एक बात सुन लो दो और तीन तो कभी भी लिखे ही नहीं जाएंगे इस नोटेशन से एक्सेप्ट टू एंड थ्री एवरी प्राइम कैन बी रिटर्न बाई सिक्स के माइनस प्लस वन बट नोट वाइस वर्षा प्लीज रिमेंबर इट बट नोट वाइस वर्षा इसका मतलब दो तथा तीन को छोड़ के प्रत्येक संख्या प्रत्येक अभाज्य संख्या 6k के माइनस प्लस एक से दर्शाई जाएगी लिखी जाएगी बट विपरीत हमेशा सही नहीं होगा जैसे कि एक एग्जाम्पल यहां पे क्रिएट हो गया यहां पे अगर ये प्रॉब्लम आई है तो आगे भी आती ही रहेगी ये आपको ध्यान रखना है राइट ओके जी तो ये हमारा प्राइंग नंबर के बारे में बात हुई अब प्राइम नंबर से जब आगे जाएंगे उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर को बच्चों भाज्य संख्या बोलते हैं राइट right? यह हटा देते हैं देखो अभी कुछ देर बस बच्चों इन नंबर का कैटेगराइजेशन केटरे, चलेगा इनकी एक बार डेफिनेशन वगैरह एक बार मैं आपको रिवाइज कर दू उसके बाद प्रॉपर हम क्वेश्चनिंग पे आ जाएंगे कंपोजिट नंबर देखो ऐसे मैंने फोर लिख दिया अब सोचो फोर को वन भी डिवाइड करता है टू भी डिवाइड करता है और फोर भी करता है हाँ स्वयं जस्ट पांच दस दस मिनट की बात आई है क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को जो पहली बारी डील करना जा रहे हैं इन चीजों से या भूल चुके होंगे मामूली सा बस पॉइंट है ज्यादा नहीं है बस एक बार इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूं चलो ताकि कमी ना रहे कहीं कंपोजिट नंबर फोर वन टू फोर मतलब एक नंबर अगर अपने अलावा और एक के अलावा भी किसी और से डिवाइड होता हो तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं राइट नंबर विच इज डिविजिबल बाय अदर देन वन एंड इट सेल्फ या कहेंगे एक नंबर अगर कम से कम तीन संख्याओं से भाग होता हो तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे तो देखो ये हो गया फोर सिक्स एट नाइन एंड सोन देखो यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जैसे प्राइम नंबर में थी प्राइम में टू थ्री फाइव सेवन एंड सेवन ये क्या था कि दो फर्स्ट प्राइम ओनली इवेन प्राइम दो को हम पहली अभाज्य संख्या बोलते हैं दो ही केवल एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है दो को छोड़ के कोई भी भाज्य संख्या कभी भी सम संख्या नहीं होगी यहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है या कोई इवेन होगा कोई ओड होगा राइट लेकिन एक बात देखेंगे प्लीज यहां पे जो मैं बात बता रहा हूं फर्स्ट कंपोजिट नंबर भी एक इवेन नंबर है और फर्स्ट प्राइम नंबर भी एक इवेंट नंबर है देखो कई बार ही स्टेटमेंटल क्वेश्चन है अगर ऐसे बोल दिया जाए पूछ लिया जाए वट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन इवेंट एंड ओड आप कह पाएंगे फर्स्ट इवेंट सॉरी फर्स्ट प्राइम एंड फर्स्ट कंपोजिट बोथ आर इवेंट नंबर इसके अलावा कोई इसमें कॉमन कनेक्शन नहीं होगा राइट right? ओके okay जी चलिए बढ़ते हैं आगे देखो दो तीन पॉइंट और बच गए उनको बस जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि आपके मतलब का काम में शुरू कर पाऊंगा देखते हैं भाई चलो रेशनल नंबर रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोला जाता है देखो ए नंबर कैन बी रिटर्न एज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू यदि कोई संख्या पी बाई क्यू में लिखा जाए और क्यू जीरो ना हो तथा पी क्यू बोथ आर इंटीजर्स दोनों पूर्णांक जरूरी बात है सेवन से बाई थर्टी फाइव बिल्कुल है क्योंकि ये रहा पी ये रहा क्यू पी बाई क्यू में लिखा गया क्या क्यू माने नीचे वाला इसको अंश बोलते हैं न्यूमरेटर इसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन अगर अपने पास है ऊपर वाले का न्यूमरेटर हिंदी में अंश कहा जाता है नीचे वाले को डिनोमिनेटर और हर कहा जाएगा न्यूमरेटर अंश डिनोमिनेटर हर तो यहां पे वही बात हो गई नीचे वाला मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और देखो दोनों के दोनों अपने इंटीजर्स वाले सेट से लिए गए हों क्या मैं ऐसे लिख देता माइनस नाइन बाई है बिल्कुल है क्या मैं ऐसे लिख देता एट बाई माइनस ट्वेंटी फोर है बिल्कुल है क्योंकि देखो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए नंबर एक तो और वो जो नीचे डिजिट लिखा है और ऊपर लिखा है वो कैसे होने चाहिए पूर्णांक होने चाहिए बताओ ध्यान से क्या जीरो बाई सिक्स रेशनल नंबर है जल्दी आंसर करेंगे बच्चों जीरो बाई सिक्स रेशनल नंबर है कि नहीं है एम वेटिंग फॉर your आंसर यस और नो नो शिव बेटा आप डेफिनेशन एक बार फिर से देखो कि आप इसको कह रहे हो मनी आप सही हैं बिल्कुल कंपोजिट नंबर नेगेटिव होगा या नहीं देखो बच्चों ये जो जो ये कैटेगरी हम डिफाइन कर रहे हैं ना अभी ये सारे अभी हम पॉजिटिव के लिए सारी बात कर रहे थे अगर सिर्फ कंपोजिट 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 नंबर और नॉट की जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन जब हमने शुरू की जब बताया गया इनको तो वो सारा का सारा नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया था उसमें नेगेटिव नहीं था इस वजह से माइनस फोर कंपोजिट है कि नहीं अब देखो क्योंकि कंपोजिट निकाला गया बनाया गया प्राकृत संख्याओं से तो वहां पे नेगेटिव नहीं था अगर इसको आप लिखना चाह रहे तो साथ में पूर्णांक लिख दो सर टोटल जीरो हो जाएगा फिर स्वयं किसकी बा बात पूछ रहे आप टोटल जीरो हो जाएगा जीरो बाई सिक्स देखो बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको आ, ये माइनस फोर वाला आपका क्लियर हुआ माइनस क्योंकि प्राकृत संख्याओं में माइनस नहीं था इसलिए हम सारे डेफिनेशन प्राकृत संख्याओं पर देके के आए हैं और जब देखो प्राकृत संख्याओं से बाहर जा रहे हो तो आपको पूर्णांक इंटीजर लिखना पड़ेगा हो जाएगा जीरो बाई सिक्स देखो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करता इट इज पी बाई क्यू यस पी बाई क्यू ये जीरो है ये जीरो नहीं है और क्या दोनों पी और क्यू इंटीजर्स में देखो इंटीजर्स का सेट होता है माइनस वन जीरो वन टू एंड सोन राइट ऊपर जीरो चलेगा ऊपर जीरो चलेगा बिकॉज इन्होंने पी पे कोई कंडीशन नहीं डाली है सिवाय पी कैसा होना चाहिए इंटीजर और बेटा इंटीजर जीरो होता है इंटीजर वाले सेट को चेक करके देखो उसमें जीरो होता है तो जीरो बाई सिक्स सर्टेनली है और उल्टा लिख दोगे तो नहीं है यहां ये गड़बड़ हो जाएगी यहां ये नीचे Q जीरो हो जाएगा तो ये रैशनल ना होके कहीं और चला जाएगा राइट तो जीरो बाई सिक्स रेशनल नंबर है ध्यान रखें ऊपर वाले जीरो पे कोई कंडीशन नहीं है आप कहोगे जो जीरो है हां मैं आपको ये कह रहा हूं देखो गिनती शुरू हुई थी वन टू थ्री से सबके नीचे जब चाहे वन लिख दो होल नंबर आया था जीरो वन टू सबके नीचे जब चाहे जीरो लिख दो यानी कि एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर इसलिए जीरो बाई सिक्स एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है राइट हां जी सिक्स बाई जीरो कैलाश बिल्कुल आप सही कह रहे हो ये अनडिफाइंड होगा नॉट डिफाइंड होगा सो so, ये हमारा इधर नहीं आएगा आप सही कह रहे हैं राइट right? तो स्वयं बेटा क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जीरो बाई सिक्स या जीरो बाई फाइव जीरो बाई वन कुछ भी लिख लो ये होगा ही रैशनल नंबर राइट अच्छा जी एक बात देखो यहां से मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूं आप लोगों से आप बड़ा यूज करते हो पाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन मैं अभी पाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगले पॉइंट पे करूंगा बताइए पाई रेशनल नंबर है कि नहीं है आई एम आस्किंग पाई इज रेशनल और नॉट देखो बच्चों यहां ना दो चीजों में आपको दोनों साथ साथ लिख देता हूं ट्वेंटी टू, 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 टू बाई सेवन देखो जब भी आप इसको देखते हो लिखा होगा वहां पे यूज पाई एज राइट बिल्कुल बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं देखो मैं आपको यह बोलू बाईस बटा में सात रेशनल है यस बाईस बटा सात रेशनल है ये इसके एग्जेक्ट इक्वल होता ही नहीं ये मानक वैल्यू है अज्यूम्ड वैल्यू है राइट तो पाई को हम कभी इसके बराबर एग्जेक्ट नहीं कह सकते और आप बिल्कुल सही कह रहे हो पाई एक इरेशनल नंबर है पाई अपी में संख्या है जबकि बाईस बटा सात परी में है देखो बच्चों मैं आपको एक मामूली सी बात बता दू रेशनल नंबर के बारे में डेफिनेशन सीखने के बाद देखो मैं आपको बता दू ना डिजिट बाय डिजिट बस अत्या नीचे जीरो ना हो पूरा डिजिट अब डिजिट में तो अगर आप ये लिखवा दो ये लो जी डिजिट बाय डिजिट तो ये हो गया अंडर रूट फाइव बाय इलेवन ये भी तो डिजिट बाय डिजिट है देखो ये पूर्णांक है पर बेटा ये पूर्णांक नहीं है इसलिए ये नहीं होगा यहां मैं आपको एक अपना क्या बोलते हैं डेफिनेशन को सीखने के बाद जो रिजल्ट निकलता है नंबर बटा में नंबर पाई बाई बाईस बटा सात रेशनल है बट पाई बिल्कुल कैलाश बिल्कुल सही कह रहे हैं पाई हैज नो फिक्स वैल्यू यस करेक्ट यू आर गुड मनीष तो देखो नंबर बटा में नंबर होता है रेशनल चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो बसरते नीचे जीरो ना हो ये एक मोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं और पाई की वैल्यू दो स्थान तक तीन दशमलव एक चार ये और तीन दशमलव एक चार ये तक बराबर है उसके बाद चेंज हो जाती हैं ये फिर भी एक फिक्स पैटर्न पे आने लग जाते हैं इसके कोई एग्जेक्ट वैल्यू नहीं होगी बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हैं आप सही बात कर रहे हैं तो रेशनल नंबर आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि जो p बाई क्यू में लिखा जाए q जीरो ना हो p भले जीरो हो और बाईस बटा सात रेशनल है और पाई इेशनल है सही बात बताइए आपने तो व्हाट इज इेशनल नंबर बस ये लास्ट रहेगा इेशनल नंबर को हम ए परी में संख्या बोलते हैं डेफिनेशन ऐसे बोली जाती है ए नंबर विच इज नोट रैशनल ए नंबर विच इज नॉट said इज be इज called irrational नंबर यदि कोई संख्या परी में ना हो तो उसको अपरिमेय में कहा जाता है देखो यहां मैं एक बात बताऊं कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसको हम एग्जेक्ट सोल्व ना कर पाए आप एक बात देखो जब हम अंडर रूट फोर निकालते हैं तो जो भी आप इसको टू या माइनस टू बोलते हैं तो देखो टू बाई वन और माइनस टू बाई वन जब चाहे आप लिख सकते हो लेकिन जब अंडर रूट फाइव आपने लिख दिया तो इसकी हम कुछ स्थान तक वैल्यू निकाल सकते हैं है ना लेकिन देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना तो टर्मिनेट हो पा रही ना हम निकाल पा रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर इसको बोल देंगे राइट right? यानी कि जो रैशनल कैटेगरी से बाहर हो गया उसको हम इेशनल बोल रहे हैं और जैसे आपने कहा पाई और एक और नंबर अगर आपने पढ़ा हो बच्चों नंबर ये दोनों नंबर होते हैं आपको जो जी इनके अलावा कौन होते हैं मोटी सी बात मैं आपको बता दूं जिनका भी कंप्लीट अंडर रूट आप नहीं निकाल पा रहे हैं जैसे रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन रूट नाइन मत बोलना रूट इलेवन बोल दो वो सारे ये सारे क्या होंगे इेशनल नंबर बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ना हो सर जिसका गुड मतलब जिसको हम ना तो किसी एक फिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना किसी को रिपीटेशन में लिख सकते हैं जो हर बारी कुछ अलग अलग चीजें अलग अलग नंबर या डिजिट लिखता रहे उसको हम इरेशनल बोलेंगे जो प्रॉपर हमारे सोल sol, uh, ना हो उसको कहते हैं का मतलब हो, होता है बेटा एक्सपोनेंशियल नंबर होता है ये अपने सिलेबस में नहीं होता है ये आ, आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक एक्सपोनेंशियल सीरीज आती है हाँ लोग, ex, बिल्कुल देखो, लोग और एक्सपोनेंशियल ये आपका सिलेबस में नहीं होता है ये बेशक्स आप छोड़ सकते हो बट जिनको थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो ई सीरीज या लोग वाली सीरीज की जानकारी रखते होंगे तो ये अपने सिलेबस में नहीं है आ, नहीं पता लग रहा लिविट क्योंकि ये पहले आ, अगर हमने क्लासेज में नहीं देखा नहीं पढ़ा है तो इसका मीनिंग आपको समझ भी नहीं आएगा तो हम छोड़ सकते हैं इसको अच्छा जी देखो बच्चों अब क्या क्या पढ़ लिया हमने जो भी अभी कैटेगरी पढ़ी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा हमने प्राइम नंबर पढ़ा रेशनल नंबर पढ़ा इशनल नंबर पढ़ा ईवी नोट सब कुछ को उठा के इस बैग में डाल दो और इस बैग का नाम होगा रियल नंबर मतलब हिंदी में वास्तविक संख्या अभी तक जो भी हमने कैटेगरी पढ़ी इसका मतलब वो सारे के सारे इकट्ठे करके अगर इस गोले में डाल दें इस सेट में डाल दें इस बैग में डाल दें तो इस बैग का नाम बाहर लिखा जाएगा रियल नंबर वास्तविक संख्या राइट इसके बाद जो आएगा बच्चों उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी सिलेबस में नहीं है जस्ट मामूली सी जानकारी मैं दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए आपको एक आयोटा से अवगत कराना पड़ेगा देखो हम ये जानते हैं वन का अंडर रूट तो निकाल देते हैं वन आएगा माइनस वन का अंडर रूट देखो बच्चे बोलते हैं जी आयोटा आ गया ना इसको हम एग्जैक्ट सोल्व नहीं कर पाए ये इसका रिप्रेजेंटेशन है अगर ये सोल्व हो जाता तो देखो हम क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू ये अगर हमें ये पढ़ाया गया है अगर हमें ये बताया गया है अगर हम ये जानते हैं कि माइनस वन अंडर की वैल्यू आयोटा होती है तो ये हल्के तौर पे सही है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सही है बट ओरिजिनली मैथमेटिक्स के लिए मैं बताऊं इट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन वैल्यू नहीं कहेंगे इसको है ना तो जिस भी नंबर में ये ई आई फॉर इमेजनरी अज्यूम किया हमने ये तो अगर कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स की बात करो ए प्लस आयोटा बी टाइप हो जिसमें ए भी एक रियल नंबर होगा और बी भी एक रियल डिजिट होगा फॉर एग्जाम्पल यहां लिखो टू प्लस आयोटा थ्री देखो ये भी रियल है और थ्री भी रियल है बट आयोटा इमेजनरी है तो इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको जी इमेजनरी नंबर क्यों नहीं बोलते देखो बच्चों इसलिए नहीं बोलते ये इसका रियल पार्ट होता है टू इज इट्स रियल पार्ट एंड आयोटा थ्री इज इट्स इमेजनरी पार्ट कैलाश बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा ए प्लस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपने सिलेबस में नहीं है हम जो डील करेंगे हम जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे जो भी अपने मतलब की चीजें हैं दैट इज रियल नंबर रियल नंबर तक की हम बात करने वाले हैं राइट तो देखो बच्चों ये जो भी चीजें मैंने अभी डिस्कस की ये बहुत बेसिक मामूली चीजें थी होप ये सब आप पहले से जानते थे नहीं जानते थे तो उनके लिए बस एक रिवीजन था अब अपना न्यूमेरिकल्स और अपने कहें कि पॉइंट पे सिलेबस पे अपने एग्जाम पे आके मैं बात करने वाला हूं नाउ स्टार्ट अभी तक की सारी चीजें होप्स आपको क्लियर रही होंगी चलिए जी शुरू करते हैं आप देखो बच्चों हमने आज शुरुआत की नेचुरल नंबर से तो देखो भागेंगे नहीं इसी से बात करेंगे वन कॉमा टू कॉमा थ्री अप टू लास्ट जहां तक जाना चाहे अब क्या करते हैं देखो क्वेश्चन कैसे बनना है कैसे शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू मैं सबसे पहले ना इनका सम निकालना चाहता हूं सम ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालने चाहते हैं भाई वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन तक जाना चाहते हैं आई थिंक आप सब जानते होंगे ये बात कि ये होता है एन एन प्लस वन और ये बाई टू होता है राइट right? ठीक है जी एग्जाम्पल लेते हैं आज यहां छोटे से लेकर बड़े तक सब एग्जाम्पल से एक साथ डील करने हैं क्योंकि अब ये आपकी प्रॉपर क्लास है अब कोई डेमो वाली बात नहीं रही तो मैं लिखता हूं वन प्लस टू अप टू चले गए से फोर्टी नाइन प्लस फिफ्टी तक मुझे ये सोल्व करना है जी सोल्व करके बताएं तो देखो यहां बच्चों एन की वैल्यू क्या होगी फिफ्टी हो गई तो ये फिफ्टी और एन प्लस वन की बात करेंगे तो ये फिफ्टी वन और बाई टू इस फॉर्मूले में होता है तो दो से हम इसको काट देंगे पच्चीस पे और जब इसके गुना करेंगे 50 और 25 सॉरी इक्यावन और 25 की तो हमारा आंसर आएगा गुना करके बताओ वन टू सेवन फाइव ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट तो देखो बच्चों सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है इससे कोई आपकी खास चीज नहीं निकली है कोई अभी ऐसा विशेष पॉइंट नहीं मैंने बताया जो कि बहुत एकदम से आपको लगे सेकंड पॉइंट सेकंड एग्जांपल आपके लिए अच्छा होने वाला है आपके एग्जाम को टच करने वाला है ये सिर्फ मैंने इनका एक्सप्लेनेशन आपको दिया कैसे इसी को देखो वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू फोर्टी नाइन तक मैं रुका सॉरी फिफ्टी तक और वापिस इसको एक तक लेके आ गए थे यानी कि नेचुरल नंबर की ये एक रिवर्सिबल सीरीज बन गई तो बताइए इसका सम क्या होगा ये डेमो क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे आई थिंक आपको याद हो तो बताइए इसका आंसर क्या होगा देखो अगर बच्चों आप ये कहने वाले हो जो पहली बारी मेरे साथ हैं उनके लिए बात कर रहा हूं अगर आप ये कहने वाले हो जी वन टू फिफ्टी अलग सोल्व कर दो और वन टू फोर्टी नाइन अलग सोल्व कर दो तो इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हो ऐसे आंसर आ जाएगा एन एन प्लस वन बाई टू दो बार यूज करके अः यस बिल्कुल सही पच्चीस सौ आप दोनों का दीपक अनमोल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन देखो बच्चों ये यहां जाके आप 50 इंटू फिफ्टी वन बाई टू करेंगे यहां जाके 49 नाइन इंटू फिफ्टी बाई टू करेंगे और जब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो देखो हम तैयार कर लेते हैं एक चीज यहां से देखो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है ना उस सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर दो और वो आपका आंसर आ जाएगा और वो आप चेक करना इन दोनों को सोल्व करके वो इन्हीं के बराबर आएगा राइट फिफ्टी बिल्कुल सही आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं बच्चों तो मैं देखो मामूली सी बात से शुरुआत करूंगा और आज इस सीरीज को इस लेवल पे हम लेके जाएंगे ताकि वो आपके हर स्तर के एग्जाम को मैच करे मेरा पहला पॉइंट अगर एक प्राकृत संख्या की सीरीज है श्रृंखला है जो बड़े से नंबर तक जाके और वापस एक पे आ जाए तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल लगा के आप देखना और यहां से एक टाइम सेविंग टेक्निक बताई मैंने वो क्या रहेगी वो ये रहेगी कि बच्चों जो सबसे बड़ा नंबर उसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे डन अच्छा जी देखो अभी आज नेचुरल नंबर हमने पिछली बारी भी बात की थी तो इस इसपे काफी सारे बात के थे मल्टीप्लाई नहीं किया दीपक आप प्लीज ध्यान देंगे मैंने इनको सोलई नहीं किया मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने यहां पे एक ट्रिक बताई आपको कि नेचुरल नंबर की जब रिवर्सिबल सीरीज है उस रिवर्सिबल सीरीज में जो सब रिवर्सिबल सीरीज का मतलब समझ रहे हो आप प्राकृत बोल दिया तो वन से शुरू होगा नेचुरल बोल दिया तो वन से शुरू होगा किसी एक बड़े से नंबर तक जाएगा और वापस एक तक आ जाए उसको पुनरावर्तित सीरीज या रिवर्सिबल सीरीज कह रहा हूं मैंने ये सोल ही नहीं किया मैंने यहां से क्या किया कि जो सबसे सब कर तो तेज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अः जो डेमो क्लास में नहीं थे बच्चों उनके लिए बता रहा हूं कि ये ट्रिक नहीं है ये इसी फॉर्मूले से इजाद होगा देखना कैसे देखो 50 बाई टू यहां भी है 50 बाई टू यहां भी है तो 50 बाई टू कॉमन ले लो और ये बनेगा 51 वन प्लस फोर्टी अभी भी इसे कैंसिल मत करो ये 50 बाई टू है और देखो बच्चों इसको सोल्व करके देखो ये 100 आएगा और इसे ना कैंसिल करके अगर आप इसे कैंसिल करते तो देखो ये मेरी लाइन जुड़ जाती यहां पे और आप पहचान पाते आप ये पहचान पाते कि into 50 इंटू फिफ्टी करके हम नियम बना लिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे राइट right? ओके okay. देखो इस पे हमारा डेमो क्लास में बहुत सारा काम हुआ था लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं और फिर आज इसकी और एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे मैं चाहता हूं इसका आंसर आप फटाक से बताएं क्या होगा क्या आंसर आना चाहिए ये क्योंकि बहुत मामूली नॉर्मल सी बात हो गई है वन से शुरू हुआ सेवेंटी पे गया वापिस वन पे आ गया तो क्या करना चाहिए बिल्कुल गुड अनमोल आपका आंसर बिल्कुल सही है दिस इज माय आंसर राइट हम तो बेटा आप सही हो अनन्या फोर्टी नाइन जीरो जीरो करेक्ट बिल्कुल आप पहुंच गए उस पॉइंट पे जहां मुझे पहुंचाना है राइट right. तो देखो अभी मैंने आपसे इस पॉइंट पे बात की कि वन प्लस टू आप टू एन अगर मुझे सम करना है तो इट इज एन एन प्लस वन बाई टू राइट right? और उस पर मैंने बहुत एक बेसिक बात की आपसे एक से लेकर सत्तर तक गए और वापस एक तक आ गए तो उसका आंसर क्या होगा उसका सम क्या होगा सेवनटी स्क्वायर दैट इज फोर्टी नाइन राइट देखो आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि क्या ये एन एन प्लस वन बाई टू जो यहां पे आप लिखते हो जो फॉर्मूला बनाते हो ये सिर्फ यही काम करेगा क्या कि ये एक से लेकर सत्तर जोड़ेगा सात सौ जोड़ेगा पांच सौ जोड़ेगा आज ना इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज देखते हैं कैसे ये काम करेगा मैं लिख रहा हूं अभी इसका मीनिंग मीनिंग मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन में ये अपना काम निकालेगा देखो भाई एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं मेरे पास ना दो बंदे हैं ए और बी मैं इन दोनों को कहता हूं भाई एक दूसरे को हाथ मिलाओ हुआ तो ये इसको ये इसको हाथ मिलाएगा तो एक बारी हाथ मिलेगा राइट right? मैं कहता हूं आप तीन हो जाओ ए और बी और सी और मेरी कंडीशन फिर से वही है कि सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाओ तो ये हाथ मिलाएंगे यहां पे ये हाथ मिलाएंगे यहां पे और फिर ए और सी भी हाथ मिलाएंगे देखो ए ने सबसे हाथ मिलाया बी ने सबसे हाथ मिलाया सी ने सबसे हाथ मिलाया तो टोटल हाथ मिलाई कितने बारी हो गई एक दो तीन तो क्या मैं से बोल दू तीन बंदे हैं तो तीन बारी हो गया ऐसा तो फिर यहां फॉल्ट आ जाएगा दो बंदे थे एक बारी कैसे हुआ राइट ये प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब ये डी ई एफ से जेड तक आ जाए और फिर मैं कहूं कि बताओ सब एक दूसरे साथ मिलाओ तो कैसे गिनती गिनेंगे राइट इजी है मुश्किल नहीं है आसान है ये देखो कैसे काम करेंगे अगर मान के चलो यहां तक की मैं बात कर लू बड़े पे भी आ जाएंगे डी ई तक एक दो तीन चार पांच मेरे पास पांच बंदे हो गए ए बी सी डी और ई e. भाई ये पांचों एक पार्टी में थे तो मैंने इनको कहा कि जानने से पहले आप सब एक दूसरे से हाथ मिला के जाएंगे मानो ए को सबसे पहले निकलना है ए उठेगा इन सबसे हाथ मिलाएगा कितनी बारी चार बारी एक बारी दो बारी तीन बारी चार बारी खुद से हाथ थोड़े मिलाएगा प्लस फिर बी उठेगा एक दो तीन ये हो गया जी देखो ए ने सबसे हाथ मिलाया सब ने ए से मिलाया बी ने सबसे हाथ मिलाया सबने बी से मिलाया सी उठेगा तो दो बारी मिलाएगा और जब भी दोनों मिल जाएंगे रहेंगे तो एक ही बारी मिलाएंगे राइट तो देखो कहीं ना कहीं ये सम ऑफ नेचुरल नंबर पे जाने की कोशिश कर रहा है राइट तो अगर यहां पे एन माने नंबर ऑफ मेंबर पांच है ना तो उससे एक कम तक का साधारण जोड़ कर दिया सम ऑफ नेचुरल नंबर जोड़ दिया तो हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा राइट अच्छा अब इस चीज को चाहे आप जेड तक लेके जाओ या हंड्रेड तक लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब जितने वहां पे मेंबर हैं उससे एक कम तक का सम ऑफ नेचुरल नंबर हम कर देंगे राइट तो देखो जी अब मैं इसके लिए ना कुछ वर्डिंग होती है जिसको हम पहचान लेंगे नंबर एक अगर वो कहें कि पार्टी में हाथ मिलाना हो नंबर ऑफ हैंड सिक्स देखो इसको प्रॉपर हम समझ लेते हैं नंबर ऑफ एंड सिक्स नंबर दो मैच खेलना हो टूर्नामेंट है टीमें आई हैं तो मैच खेलना हो नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड अच्छा जी मैच करने से पहले टॉस करना होता है और एक बात उपहार बांटना नंबर ऑफ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड देखो भाई ये तीनों ना एक ही पॉइंट है दो व्यक्ति होंगे हाथ मिलाएंगे ए बी को बी ए को मैच खेलना दो टीमें होंगे एक टीम ए एक टीम बी दोनों टीमों के बीच एक ही बारी मैच खेला जाएगा दोनों के बीच एक ही बारी टॉस किया जाएगा देखो सिर्फ टीम की बात करते हैं टीम के दो कैप्टन होंगे वो टॉस करने आएंगे तो दोनों हाथ मिलाएंगे दोनों की टीम एक एक बारी खेलेंगी यानी इन तीनों के लिए कॉमन बात है आपने ध्यान दिया था वहां पे जो मैंने एबीसीडी का एग्जाम्पल लिया पांच बंदे थे तो चार बार हाथ मिले मतलब मैं लिख दू आई सॉरी मैंने लाइन गलत बोली पांच बंदे थे तो मैक्सिमम चार तक का हमने जोड़ किया तो ये बन जाएगा एन एन माइनस वन बाई टू और इसके लिए स्पेशली ध्यान रखना सिर्फ एन एन माइनस वन होता है बाई टू नहीं क्योंकि देखो ए और बी हाथ तो एक बार मिलाएंगे ये इसको गिफ्ट देगा तो ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा तो अगर एक बार हाथ मिलाया है तो उससे डबल गिफ्ट बांटे जाएंगे इसलिए बाई टू नहीं आएगा अब देखो आप कहो जी मेरे फॉर्मूले में तो एन एन प्लस वन बाई टू था यहां पे आपने एन एन माइनस वन बाई टू कर दिया देखो मुझे ये फॉर्मूला समझाने के लिए वापस इस एग्जांपल पे आना पड़ेगा ए बी सी डी ई अगर चार बंदे हैं सॉरी पांच बंदे हैं तो इसने चार बारी मिलाया इसने तीन बारी इसने दो बारी इन्होंने एक बारी और जोड़ दिया अब देखो बच्चों अगर यहां मैं एन की वैल्यू पांच रख दो आप कहो जी एन तो बताया नहीं आपने मैं बताने वाला हूं अभी यहां पे या यहां पे पे या जो एन होता है वो वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं एन जो होता है वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जैसे यहां देखो एक दो तीन चार पांच पांच मेंबर हमारे पास थे तो हमने एन की वैल्यू पांच रखी तो पांच गुना में चार बटा में दो किया देखो यहां पे, पांच गुना में चार बटा में दो करेंगे तो टोटल हाथ कितने बारी मिले दस बारी चार तीन सात दो नौ और एक दस छोटे पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन हाँ बिल्कुल बेटा देखो यहां पे ना एक बार हाथ मिलने के लिए दो चाहिए लेकिन क्योंकि अपना पोटेशन प्रोबेबिलिटी अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको वो चीज इजी करके बता रहा हूं ये आया उधर से ये क्योंकि देखो ये अपने सिलेबस में होता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभी हल्के लेवल पे चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल राइट हाँ, सही गिफ्ट वाला एग्जाम्पल पर बताएं बिल्कुल दीपक देखो उसी पर आ रहा हूं मैं तो पहले इस पे देखो आप मैंने मैनुअली ऑपरेट करके बताया आपको वन टू फोर आ गए तो एन फाइव फाइव इंटू फोर बाई टू यानी कि टेन बार हाथ मिलाया उसका एग्जाम्पल भी लिया हमने अलग से अब ये देखना मैं यहीं से क्लियर कर रहा हूं बच्चों अगर मैं बोल देता ए बी सी डी ई पांच मेंबर हैं सब एक दूसरे से हाथ मिलाओ और तब घर जाना है तो हाथ मिला लिया उन्होंने टोटल कितने बार हाथ मिलाया गया दस बारी है ना अब मैं क्या बोलता हूं भाई दिवाली आने वाली है तो सब एक दूसरे को मिलेंगे पार्टी करेंगे और एक दूसरे को गिफ्ट भी बांटेंगे मैं क्या बोलता ए बी सी डी ई पांच मेंबर हैं सब एक दूसरे को मिलेंगे हाथ मिलाएंगे और गिफ्ट भी एक दूसरे को देंगे सभी एक दूसरे को उपहार भी बांटेंगे तो अभी मैं फॉर्मूले से दूर जाके एक बात पूछू आपसे ये कैसे बना वो बता दूंगा उसके बाद एग्जाम्पल ले लेंगे देखो ए बी सी डी ई सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे आपने चेक कर लिया मैं कहता हूं गिफ्ट भी बांटो ये बताओ ए अपने लिए तो गिफ्ट लेके आएगा नहीं बाकी सबके लिए लेके आएगा एक दो तीन चार के लिए चार गिफ्ट लाएगा बिल्कुल लेके आएगा जी ये भी चार लेके आएगा ये भी चार लेके आएगा ये भी चार और ये भी चार जोड़ के देखो चार आठ बारह सोलह बीस यानी कितने गिफ्ट बांटे गए बीस यहां पे क्या होगा कि हाथ मिलाने के डबल जाएगा तो ये बन गया एन एन माइनस वन यानी पांच गुना में चार देखो ये आगे बात राइट तो गिफ्ट तो सबको बांटना पड़ेगा वो कम नहीं हो सकता सब मेंबर अपने को छोड़ के जितने उसके अलावा बच गए चार बच गए सही अगर इसकी बात करें तो सबके लिए लेके आएंगे पांच मेंबर चार चार गिफ्ट लेके आएंगे तो गुना में हो और उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया एन 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 माइनस वन बाई टू तो यहां बाई टू है और यहां बाई टू क्यों नहीं है इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा राइट अब थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे तीन चार पांच का क्वेश्चन नहीं आया करता बच्चों डन होप यू अंडरस्टैंड तो अब लिखता हूं देखो इस बात को मैं लॉ जी एनी पार्टी ऑफ हंड्रेड मेंबर्स Each and every one shakes hand to each other. Each and every one shakes hand calculate total number of handshakes. एक पार्टी में 100 सदस्य मौजूद हैं एक पार्टी में 100 सदस्य मौजूद हैं सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताइए कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी सो so, यहां पे अगर हम निकाले टोटल नंबर ऑफ हैंडसेक्स अगर होंगे तो यहां पे होंगे हंड्रेड इंटू नाइनटी नाइन बाई टू एन एन माइनस वन बाई टू अगर ये बात होगी तो फोर नाइन फाइव जीरो फोर नाइन फाइव जीरो शिवम शुभम दीपक प्रशांत ये लो जी फिफ्टी पे कैंसिल तो जीरो नो पांच पैतालीस फोर कैरी किया और ये हमारा आंसर आ गया कि इस पार्टी में जो टोटल नंबर ऑफ एंड सेक्स मिलाए जाएंगे दैट इज फोर नाइन फाइव जीरो जिनका भी फोर नाइन फाइव जीरो है बच्चों वेरी गुड शाबाश ये हो गया अच्छा जी ये तो पहला प्रश्न था कि टोटल कितने बार आप मिलाएंगे अब मैं अगर ये बोल दू अगर यहीं पे ये बोल दू वो एक दूसरे को गिफ्ट भी बांटेंगे सभी मेंबर एक दूसरे को गिफ्ट बांटेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट गिफ्ट if they give gifts to each other then total number of gifts distributed यदि वो उपहार यदि वो एक दूसरे को उपहार भी बांटे तो कुल कितने गिफ्ट बांटे जाएंगे बहुत इजी कुछ काम ही नहीं करना होता सो गुना में नाइन्टी नाइन और ये 99 नाइन यहां पे आ गया हमारा 9900 नाइन जीरो जीरो आ गया हमारा बिल्कुल मामूली बात एलिमेंट्री बात देखो बच्चों ये या तो मैथमेटिकल रीजनिंग नाम का एक चैप्टर अपना रीजनिंग में होता है सर लोग आपको बताएंगे भी उसके बारे में उसमें भी ये चीज इलिजिबल होती है पुराने पेपर्स में हमने देखा है या नंबर्स uh, पे काम करना है सम ऑफ नेचुरल पे बात करनी थी इसमें इसलिए यहां पर डिस्कस मैं आपको कर रहा हूं और बहुत एलिमेंट्री बहुत छोटी बात है ये हाथ मिलाना एन एन माइनस वन बाई टू गिफ्ट बांटना बाई टू नहीं आएगा दैट्स इट राइट ओके जी यहां ना एक बात और करने मुझे अभी यहां सब मेंबर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं सब मेंबर एक दूसरे को गिफ्ट बांट रहे हैं लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मेंबर गिफ्ट ले सबसे दे किसी को नहीं तब क्या होगा देखो एक बात पूछ रहा हूं बच्चों एक पार्टी में ना दस मेंबर है एन टेन है लिख देता हूं चलो इन्हें पार्टी party of 10 members ravi takes a gift from every member but Does not give gift to anyone. Calculate total number of gift distributed over there over there. एक पार्टी में दस मेंबर है एन माने टेन है एक पार्टी में दस मेंबर है सर टू तो मिनट का ब्रेक एटी वन सिम अभी बस थोड़ा सा वेट करें एक बार इसको पूरा कर देते हैं फिर लेते हैं दो मिनट का ब्रेक एन इज टेन तो देखो हमको ये पता है हमारा जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो एन एन माइनस वन बनेगा अब इसको ना बड़े तरीके से समझने की जरूरत है एन वहां पे क्या होता है वो होता है सिम सेवनटी टू देखते हैं बच्चे 72 टू होगा कि एट्टी वन होगा एन एन माइनस वन आपका गिफ्ट बांटने का फॉर्मूला होता है अब पहचानो ये एन कौन होता है और एन माइनस कौन होता है क्योंकि जब तक इस फॉर्मूला की प्रैक्टिकलिटी नहीं आएगी तो मैंने तो कहा एक मेंबर रवि किसी से गिफ्ट लेता नहीं सॉरी किसी को देता नहीं पर लेता सबसे है कल को रवि और मोहन ऐसे हो सकते हैं मीन्स दो ऐसे मेंबर हो सकते हैं अब इस बेसिक फॉर्मूले से इस बेसिक एग्जाम्पल से हिलना मत देखो यहां पे क्या था एक दो तीन चार पांच मेंबर है ये मेंबर चार गिफ्ट लाएगा ये भी लाएगा ये भी लाएगा ये भी लाएगा ये भी मानो ई है रवि यहां पे ई रवि है ये किसी के लिए गिफ्ट लेके नहीं आता ये किसी के लिए गिफ्ट लेके नहीं आता बाकी चारों को थोड़े पता था कि ये लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा वो तो अपने रूल जो बनाए थे उनके लिए सबके लिए लेके आया था एक दो तीन चार देखो यहां पे एन का मतलब क्या होता है वो जो गिफ्ट लेके आने वाले हैं पढ़ने से पता लग गया कि अगर दस मेंबर है उनमें से एक तो लेके आएगा ही नहीं है ना और जो बाकी लेके आएंगे सही इस एग्जाम्पल पे रहो अभी मत जाओ दस पे पांच मेंबर थे सबको अपने को छोड़ के एक एक गिफ्ट लेके आना था यानी कि एन माइनस वन तो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक आदमी को कितने गिफ्ट लाने हैं जितने वो गिनती में हैं पांच हैं जी तो एक छोड़ के यानी कि सबको चार चार गिफ्ट मैं इसकी बात कर रहा हूं सबको चार चार गिफ्ट लेके आने थे बिल्कुल लेके आने थे जी और कितने मेंबर को लेके आने थे भाई रूल तो पांचों को लेके आने थे पांचों को ना ए बी सी डी ई पर ई तो रवि निकला इसका मतलब वो किसी के लिए लेके नहीं आएगा तो आंसर बन गया एन स्क्वायर अब समझो जिन्होंने 81 सोचा है जिन्होंने 81 किया है शाबाश बहुत अच्छे बहुत दुरुस्त सोच रहे हो आप लोग एन स्क्वायर आंसर आ गया राइट तो ऐसे तो हर बारी फॉर्मूला बदलता जाएगा कभी एन स्क्वायर होगा कभी ये होगा नहीं मैं कह रहा हूं फालतू बात सीखनी ही नहीं बस यही सीखना है क्या एन माइनस वन होगा एन माइनस वन होगा गिफ्ट कितने गिफ्ट खरीदने हैं और एन होगा कितने प्रसन्न कितने प्रसन्न उसको कितने प्रसन्न गिफ्ट लेके दैट इज पीजी हम ऐसे याद कर सकते हैं पी फॉर पर्सन जी फॉर गिफ्ट कितने पर्सन गिफ्ट लाएंगे नो no लेके आएंगे क्योंकि रवि लेके नहीं आता राइट right? और सबके लिए लेके आना है तो एक बंदा नो खरीदेगा तो 81 हमारा आंसर हो गया 72 नहीं होगा 81 होगा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप करेक्ट ये बात होगी यहां पे देखो दस की जगह सो हो हजार हो पांच सो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर एक बंदा गिफ्ट नहीं लेके आता तो जो टोटल यहां दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो इसको एज ए ट्रिक भी आप काम कर सकते हैं मैं कह रहा हूं ओरिजिनल फॉर्मुले पर रहो एन माइनस वन यहां पर रिप्रेजेंट करेगा गिफ्ट एक बंदे को जितने खरीदने हैं और एन रिप्रेजेंट करेगा कितने पर्सन कितने व्यक्ति टेन इंटू नाइन यस दीपक बिल्कुल सही सही हो आप टेन इंटू नाइन माइनस नाइन टेन इंटू नाइन माइनस ये भी सही है तो अब देखो एन वो है जितने लोग गिफ्ट लेके आ रहे हैं एन माइनस वन एक बंदा कितने गिफ्ट लाएगा ये बात होती है राइट गिफ्ट तो देखो दस है तो सबको नौ नौ लाने चाहिए कितने लाने वाले हैं वो यहाँ पे पता लग जाता है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं डन अच्छा जी 81 करेक्ट है आपका और ये बात अगर समझ में आ गई ना तो यहां पे देखो मैं आपको बोल दू रवि के साथ एक दोस्त और हो गया आपकी बारी रवि एंड मोहन गिफ्ट लेते सबसे हैं पर देते किसी को नहीं आप बताएं अगर आपको ये पीजी वाला फॉर्मूला समझ आ गया है ये एन एन माइनस वन का चक्कर समझ आ गया है तो इसका फटाक से आंसर दे दो ताकि बात कर पाए जल्दी एक पार्टी में दस मेंबर हैं रवि और मोहन सबसे गिफ्ट लेंगे पर बहुत होशियार लोग हैं ये किसी को गिफ्ट देंगे नहीं तो क्या करें आप बताइए प्रभु 64 दीपक 72 टू अनमोल सिक्सटी देखो मैंने कहा था बच्चों की फॉर्मूला रटना नहीं है स्क्वेयर हमेशा नहीं चलेगा Uh, दीपक 72 प्रियंका 64 सोचो मैंने क्या क्या बताया था एन माने कौन सिखा 64 एन माने कौन एन माने वो बंदे जो गिफ्ट लाएंगे और एन माइनस वन माने 72 72 शिवम प्रशांत कैलाश मोहन सॉरी सॉरी मनीष सॉरी सॉरी मनीष बेटा देखो ये मामूली बात है हिलो इसको मामूली सा चेक करते रहो एन माने कौन होता है है वहां पे पे जो मेंबर होते हैं, जी पे एन टेन है, एन वन होते हैं हैं जी देखो ये गिफ्ट लाने वा, एक बंदा जो गिफ्ट लाएगा वो और ये पर्सन जो जितने गिफ्ट लाएंगे क्या सारे गिफ्ट लाते हैं नहीं लाते दो नहीं लाते तो बेटा एट लाते हैं ना आठ बंदे वहां पे गिफ्ट लेके आते हैं करेक्ट बात हुई है ना और कितने गिफ्ट लाने चाहिए थे एक बंदे को इनको इन दस में से रवि मोहन को छोड़ के सबको क्या पता था हम तो भाई दस हैं अपने लिए तो लाना नहीं है बाकी सबके लिए तो लाना ही लाना है दिस इज योर आंसर सोचो आप एट स्क्वायर कर रहे हो तो कहा ऐसा सोच बनी आपकी क्यों ऐसी सोच बनी मैंने कहा एन स्क्वायर एन क्यूब ये टाइप की बातें छोड़ दो ये वो है जितने वहां पे मेंबर मौजूद हैं ये कौन है माइनस वन जो गिफ्ट बांटे जाएंगे अब ये बताओ क्या दस के दस बंदे गिफ्ट लाते थे नहीं दो नहीं लाते थे एक बंदा कितने गिफ्ट लाएगा भाई उन्हें थोड़ी पता था कौन लाएगा कौन नहीं वो तो अपने को छोड़ के सबके लिए लेके तो नौ यानी सेवनटी टू ही आपका करेक्ट आंसर होगा वेरी गुड शाबाश जिन बच्चों ने भी सेवेंटी टू निकाला वो बिल्कुल दुरुस्त है तैयार है और सिक्सटी फोर वाले बच्चे प्लीज एक बार ध्यान देंगे क्यों उन्होंने एट इंटू एट किया आप ये सोचते थे, थे जी पिछली बारी नाइन इंटू नाइन हो गया था तो यहां पे ये चेक करना होता है जितने मेंबर यहां पे हैं उनसे एक कम ये तो गिफ्ट लाया जाएगा और लाने वाले कितने हैं ये आपको चेक करना है और देखना अगर ये समझ आ गया तो बच्चों गलती मत करना ताकि मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊं कि आप लोगों को पॉइंट मैं समझा पा रहा हूं अगर यहां पे मेंबर है 50. आप बताओ अगर यहां पे मेंबर है 50 क्योंकि देखो छोटे डिजिट से आइडिया क्लियर करके हमें बड़े पे जाना होता है ओके दीपक थैंक यू बेटा अभी कोशिश और भी जारी रहेगी मेरी और जो भी चीजें अभी सामने आ जाने वाली हैं आपके लिए अच्छा रहे तो बताइए टेन में सॉरी फिफ्टी मेंबर हैं और उस पचास में रवि मोहन फिर से आ गए और वो वही काम करते हैं कि दिवाली पे सबसे गिफ्ट बटोर लेंगे लेकिन किसी को बांटेंगे नहीं तो अब बताओ क्या करने वाले हो आप वेट कर रहा हूं बच्चों जल्दी आंसर दे देंगे इसका आप मुझे अनन्या दीपक शिवम ममता सब बिल्कुल करेक्ट सब बच्चे सही जा रहे इट मीन आप सबको ये पॉइंट समझ आ गया देखो 50 मेंबर हैं तो गिफ्ट लाने वाले कितने हैं 48 लाने वाले हैं गिफ्ट लाने वाले पर्सन 48 हैं अच्छा ये मैंने बताई दिया इससे एक कम करोगे तो इतने गिफ्ट हर व्यक्ति को लाने चाहिए 48 एट मल्टीप्लाई बाई फोर्टी बिल्कुल जो भी आप बच्चे सोच रहे हैं करेक्ट है दुरुस्त हैं लेकिन ये भी तो बताओ ना कि इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे कैसे आएगा कैसे अब ये कैसे अप्रोच करोगे ये पॉइंट है अब देखो 48 एट इंटू कैसे करना है अब चाहो तो देखो ये पिछली बार में मैंने बताया था थोड़ा छोटा डिजिट पे काम कर रहा हूं क्या पता ये आप सबके लिए बड़ा लाभदायक और फायदेमंद हो दो गुना में तीन अगर मुझे करना है तो क्या मैं टू स्क्तर प्लस टू कर दू या फिर थ्री स्क्वे माइनस थ्री कर दो, दोनों एक ही बात होती है दो लगातार नंबर के गुना टू थ्री फाइव टू सबका यही आ रहा है बिल्कुल सही बस अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया मैं भी थोड़ा सा मदद कर देता हूं दो लगातार नंबर के गुना इट मीन ये होगा फोर्टी एट स्क्वायर प्लस 48 इसके गुना ये होगी तो 48 का स्क्वायर देखो पिछली बार ही हम सब ने देखा था कैसे किया था 2304 और प्लस 48 और सही आंसर आपका 2352 थ्री फाइव टू शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छे हमेशा कर पाएंगे राइट तो देखो अब इस पॉइंट को क्लियर करते हैं अच्छा देखो बच्चों एक बात और बता दूं यहां पे कल को तीन मेंबर रवि मोहन और किशन भी हो गए अगर तीन मेंबर वहां पे गिफ्ट नहीं लाएंगे तो मालूम है ना क्या करने वाले हो यहाँ पे 47 करने वाले हो लेकिन रहेगा 49 गिफ्ट मल्टीप्लाई ही राइट तो अब देखो एक नहीं लेगा कि दो नहीं लेगा कि तीन नहीं है लेगा नहीं मिस देगा तो यहाँ पे ये यह चीज आपको चेक करते रहना है और ध्यान देंगे इस पर आप पूरा देखो बच्चों अभी पॉइंट कैलकुलेशन वाला फिर से ओके बेटा देखो हमने ये काम किया था कि 48 एट इंटू फोर्टी सोल्व किया था तो आ, बल्कि बड़े की बजाय आप छोटे पे काम किया करो मैंने कहा था टू इंटू थ्री को हम सब जानते है, हैं सिक्स है लेकिन यहां सीखना ये है टू इंटू इसको लिख लिया मैंने टू प्लस वन और ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो टू स्क्वायर और ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस टू यानी मैंने ही देखा कि दो लगातार नंबर का ओके बेटा अभी बस ये बता के उसके बाद मैं दो मिनट का ब्रेक आप खोला क्योंकि साढ़े ग्यारह तक अपने क्लास थी उसके बाद तो ब्रेक आएगा ही आएगा बट दो मिनट ब्रेक ले, ले लेते हैं बस ये बता के ले रहा हूं टू स्क्वेयर प्लस टू तो ये देखो दो का स्क्वायर चार बनेगा और दो छे हाँ छे आ रहा है यानी हमने ये बात पकड़ी कि टू स्क्वायर प्लस टू छोटे का स्क्वायर में छोटा जोड़ दिया मैं ये भी तो कह सकता था टू इंटू थ्री को ऐसे लिख लेंगे थ्री माइनस वन देखो इसको लिखा आपकी बारी इंटू थ्री दैट इज थ्री इंटू थ्री थ्री स्क्वेयर माइनस थ्री नाइन माइनस थ्री तो भी छ आएगा तो यहां पे बात ये पकड़ी हमने कि छोटे के स्क्वायर में छोटा जोड़ दो या बड़े के स्क्वायर से बड़ा घटा दो इसको देखो दो बारी करके बताऊंगा और बच्चों उसके बाद हम ब्रेक लेंगे दो मिनट का और ऐसे लिखा मैंने इसको 48 स्क्वायर प्लस 48 हम जानते हैं 48 का स्क्वायर कैसे करते हैं ये पिछली क्लास की बात है देखो 48 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो इसके बराबर में हम 50 और 25 लिख के बैठते हैं ये देखो इससे कितना कम है दो तो दो का स्क्वायर करेंगे बच्चों जीरो चार लिखना होता है सिंगल डिजिट नहीं लिखते और इसी से दो माइनस कर देते हैं तो ये तेईस बन जाता है तो टू थ्री जीरो फोर एट मेरा आंसर होता डन यहां लिखते तो लिखते बेटा फोर्टी टू सॉरी फोर्टी नाइन स्क्वेर माइनस फोर्टी नाइन तो देखो फोर्टी नाइन का स्क्वेयर इसी रूल से अगर मैं अलग से यहां करके दिखाऊं कि 49 का स्क्वायर अगर करना है तो ये 50 है और ये 25 है इट इज माइनस वन देखो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो जीरो वन और इसी से 25 से ये घटाएंगे तो चौबीस जीरो एक तो देखो चौबीस जीरो एक से टू फोर जीरो वन से जब फोर्टी नाइन माइनस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा चाहे दोनों में से कोई एक बात आप लगा सकते हो राइट right? अगर ये 50 बेस पे या स्क्वायर पे आप सबको प्रॉब्लम है तो देखो अपना आज ढाई बजे तक का सेशन है तो चाहे जितने कैलकुलेशन पे आप बात कर सकते हैं वो भी करेंगे तो फिलहाल मैं आपको दो मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आप ब्रेक लें और इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर ओके okay, बेटा ओके okay, बच्चों आगे सब लोग वापस चलिए सब कनेक्ट हो गए शुरू करें बताइए प्लीज ओके ओकेट से देखो बच्चों अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू करने वाला हूं क्योंकि अभी तक ये सब बेसिक जो मैंने रिवाइज किया आ, ये इस परपज के लिए था कि एक बार ये आप सब मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ जो चीजें मुझे आपको बतानी है वो अपने तौर पे अपने एक बार लिए मैं बता दूं ताकि सब आप अवेयर हो जाओ पहले से आप जानकारी रखते थे बहुत सारी चीजों की बहुत अच्छा लगा मुझे अब देखो क्या पॉइंट शुरू करने वाले हैं अभी हमने जो नंबर्स की कैटेगरी डिफाइन की उनकी डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी था है ना सर मेरे पास कोई नंबर एन है एक पता नहीं है क्या नंबर है बड़ा छोटा ओड अभी कुछ जानकारी नहीं है अभी मैं क्या करने वाला हूं और साढ़े ग्यारह तक अपने क्लास के बाद फिर से दो घंटे एक सेशन रहेगा तो मैं आपको प्रिपेयर कर दूं कि किस किस चीज से दीपक जी 150 का बेस क्या होगा यस yes, बेटा बताता हूं 150 का बेस कैसे काम करते हैं इनफेक्ट आज ना ये बेस का चक्कर ही खत्म करते हैं बताऊंगा मैं आपको आज ये पॉइंट आपका क्लियर करके जाना है क्या बात करने मुझे एक बारी मैं आप सबको बता दूं कि अगले साढ़े बारह से जो आपकी अप, क्लास फिर से रहेगी ढाई बजे तक उसमें क्या क्या हम करने वाले हैं अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं एन कोई नंबर है मेरे पास छोटा बड़ा प्राइम इवन आउट जो भी है इस नंबर्स के फैक्टर्स या डिवाइजर्स बोल दो गुणनखंड, भाजक इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे? नंबर एक इसके टोटल फैक्टर क्या होंगे अच्छा जी इसके इवन फैक्टर्स क्या होंगे इसके ओड फैक्टर्स क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या कितने होंगे क्या का मतलब यहां काउंटिंग में गिनती के कितने होंगे इसके टोटल फैक्टर्स का सम क्या होगा जितने टोटल गुणखंड होंगे उनका जोड़ क्या होगा इनके इवन का सम क्या होगा इनके ओड का सम क्या होगा सॉरी इनके ओड का सम क्या होगा इनके टोटल का एवरेज क्या होगा इनके टोटल फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा ये सारी चीजें एक नंबर के बारे में आपको पता करने होंगे आज और ये वो पॉइंट है देख लेना आपको किसी भी स्तर पे प्रश्न मिलना ही मिलना होता है कुछ इसके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कुछ इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सबके बारे में आज ही बात करेंगे आज समझो कि इसकी बेसिक से लेकर और एडवांस तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आज अभी डिस्कस करेंगे और जो अभी नहीं हो पाएंगे वो सेकेंड हाफ में करेंगे तो कोई नंबर एन के बारे में ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं टोटल फैक्टर क्या होंगे इवन फैक्टर क्या होंगे ओर्ड क्या होंगे प्राइम क्या होंगे उनका सम क्या होगा उनका एवरेज क्या होगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा और ये डायरेक्ट और फिर किसी स्टेटमेंट में इनको कैसे फिट करेंगे मैं शुरू करता हूं बच्चों देखो और एक ऐसे पॉइंट से शुरू करने वाला हूं जो छोटे नंबर से जो आपको दिखे पहले कि हो क्या रहा है देखो एन को मैंने ले लिया सिक्सटी साठ है राइट अब देखो क्या बोलेंगे एन साठ है तो बोलेंगे फाइंड नंबर एक ऑल फैक्टर्स ऑफ एन जहां पे एन सिक्सटी है नंबर दो ऑल ये लिख देंगे इवन फैक्टर्स ऑफ एन तीसरा लिख देंगे ओल्ड फैक्टर्स ऑफ एन चौथा लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन एंड देन सम प्रोडक्ट एवरेज सब निकालेंगे प्रश्न अब आपके सामने आ गया देखो कैसे काम करते हैं क्योंकि मैंने 60 ऐसे इसलिए लिखा बहुत बड़ी संख्या नहीं है हम रेक्टिफाई कर सकते हैं सारी चीजों को पहले मैं इसको मैन्युअली ऑपरेट करके बताऊंगा फिर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे ये रास्ता रहेगा पढ़ने का देखो अपना तो एन इन्होंने लिखा जी सिक्सटी है मैं सिक्सटी के फैक्टर करने चला गया एक गुना में साठ होता है दो गुना में तीस होता है तीन गुना में ट्वेंटी बीस ये भी है अच्छा जी चार गुना में पंद्रह वेरी गुड पांच गुना में बारह बहुत अच्छे छह गुना में दस सात पे होगा नहीं नहीं होगा जी आठ पे होगा नहीं नहीं होगा नौ पे नहीं नहीं दस तो दस से तो ये फिर से आ गए दस के बाद ग्यारह नहीं होगा बारह होगा मतलब यहां से आए और वापिस यहां पहुंच गए गिनो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो जो टोटल फैक्टर्स इसके बने ना जो इसके टोटल फैक्टर बने वो बने जी बारह है हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने सिर्फ गिन गिन के अपना मैन्युअली ऑपरेट कर करके बताया कि इसके फैक्टर होंगे बारह जिसमें कोई प्राइम होगा कोई कंपोजिट होगा कोई इवेंट होगा कोई ओड होगा आप सारी चीजें वन टू वन डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मैंने एन के फैक्टर की मैनुअली ऑपरेट करके देखा साठ है पचास है कुछ छोटे मोटे तक तो हम काम कर सकते हैं जब ये बहुत तो बड़ा हो जाए थोड़ा सा लेवल पे चला जाए तो हम ऐसे रेक्टिफाई कब तक करेंगे कब तक इनको ऐसे चेक करेंगे राइट देखना तो अब नियम क्या बनता है इन्होंने बताया एन को सिक्सटीन मैं कहता हूं इसके ना फैक्ट्राइज कर लो इसको इसका प्राइम फैक्ट्राइजेशन कर दो देखो कैसे करेंगे भाई अपने को पता है ये लिखेंगे, दो गुना में तीस लिख देंगे चलो जी फिर से लिख देंगे, दो गुना में तो था इस तीस का फैक्टर दो गुना में पंद्रह लिख देंगे चलो बहुत बढ़िया देखो ये बात मैं आपको यहां बता दूं कि x की पावर a गुना में एक्स की पावर b हो तो बेटा ये x की पावर a प्लस बी हो जाता है जैसे यहां दो की पावर एक गुना में दो की पावर एक यहां पे जो दिख रहा है उनको सोल्व करोगे उनको देखोगे आगे तो दो की पावर दो हो जाएगा यानी इसको इकट्ठा किया तो मैंने ये बन गया दो की पावर दो गुना में पंद्रह के फैक्टर किए तो तीन गुना में पांच थ्री इंटू फाइव और ये भी वन और ये भी वन रहा राइट चलो जी देखो ये चार तीन बार और गुना पांच साठ होगा अब यहां से वन बाय वन सारे सोल्व करते हैं अगर देखो क्वेश्चन नंबर एक मुझे निकालना है क्या ऑल फैक्टर्स इनफैक्ट नंबर ऑफ लिखना चाहिए मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे लिख देना चाहिए बस ऑल फैक्टर की जगह टोटल फैक्टर्स लिखना चाहिए मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो क्या करें जो जो ये पावर है ना जो ये पावर है इन पावर में एक एक प्लस कर दो भाई और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो देखो पहले एक एग्जांपल लेंगे, फिर एबीसी टाइप का कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना बनाइए ये? ये तीन गुना में दो गुना में दो तो कितना बन गया बारह बन गया भाई चलो जी मैचिंग होगी बराबर यानी कि हर बारी हम ये ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे ना करने की कोशिश करना चाहिए हम क्या करेंगे जो भी एन गिवन होगा उस एन के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो जो उनकी पावर आएगी उन पावर में एक एक पहले तो प्लस करेंगे और एक एक प्लस करके फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और सामने देखो मैचिंग हो गई तो आंसर आ गया हमारा बारह तो अगर एन सिक्सटी है तो बताओ एन के टोटल फैक्टर्स की जो काउंटिंग हो गई वो गई हमारे लिए ट्वेल्व एक प्रश्न हम सोल्व कर पाए भाई बारह हो गया जी राइट सही है बच्चों बताइए पकड़ पाए इस बात को आप अभी मैं इसको एबीसी पी क्यू आर टाइप का फॉर्मूला इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको पहले ही कॉन्सेप्ट एक, एक बारी मैन्युअली ऑपरेट करके और ऐसे ऑपरेट करके फिर बनाएंगे इसके लिए राइट बताइए मुझे आप क्या ये पॉइंट आप पकड़ पा रहे हैं ये बारह कैसे आया प्राइम फैक्टर करके ओके चलिए बढ़ते हैं आगे अच्छा ये सामने लिखे पड़े हैं अब मैं क्या इवन फैक्टर और ओड फैक्टर और प्राइम फैक्टर ढूंढना चाह रहा हूं देखो कैसे काम करते हैं अब मैंने इवन फैक्टर ढूंढना चाह रहा हूं कौन कौन है देखो इवन में भाई इधर से चेक कर लो इवन फैक्टर आपके कौन कौन बने ताकि उधर फॉर्मूला बनाने में मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो पाए ठीक है देखो एक तो मुझे ये ओड नंबर दिख रहा है एक तो मुझे ये ओड नंबर दिख रहा है एक ये ओड नंबर दिख रहा और ये एक ओड नंबर दिख रहा एक दो तीन चार चार तो मुझे और दिख रहे हैं और बाकी सारे टोटल बारह ही थे तो चार जाएंगे तो आठ हो जाएगा है ना उधर से कैसे क्रिएट करें देखो यहां लिख रहा हूं इवन नंबर के लिए यहां कैसे डेवलप करते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये जो फैक्टराइजेशन है ना इसकी पावर्स पे ही अपने को ध्यान रखना है फिलहाल टोटल नंबर के लिए क्या किया था सब में एक एक प्लस कर दिया था है ना देखो यहां भी एक प्लस यहाँ भी एक प्लस और यहां भी एक प्लस लेकिन जब हम निकालने जा रहे हैं पावर तो ये, ये, ये जो टू पावर टू है ये एज इट इज और बाकी सब में एज इट इज पीछे वन प्लस वन चलता था वो चलेगा ही चलेगा वो रहेगा ही रहेगा और सोल्व करके देखो ये क्या बन गया ये भी टू बन गया ये भी टू बन गया और ये भी टू बन गया यानी फाइनली ये आंसर कितना आ गया आठ आ गया किसका आंसर आ गया ये आठ ये आ गया इवेन फैक्टर्स का सेकंड का आंसर आ गया हमारा ये राइट ओके आप कहो जी टोटल बारह थे और आठ आपने इवेन निकाल लिए हैं तो 12 में से 8 अगर हम माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा बिल्कुल आप सही करें लेकिन सबको इंडिपेंडेंट डील करना है ओके okay, मैं फिर से बात करता हूं बच्चों देखो अपना सारा काम मैं सारे को हटा के फिर से बात करता हूं मुझे इवन चाहिए पहले तो मैं यहां से बिल्कुल रिपीट करना बेटे एक बार इसमें तीन के ऊपर वाली पावर क्यों ली Okay, देखते हैं देखो बच्चों यहां आ जाओ एक बार आप टोटल डिस्प्ले सारा यहां पे है इसमें वन ओड है ये ओड नंबर है ये भी ओड नंबर है ये भी ओड नंबर है।, है और ये भी ओड नंबर है यानी अगर यहां से मैं ओड काउंट करूं पहले तो एक दो तीन चार होगा और टोटल थे बारह बारह में से मैं चार माइनस करूं तो आठ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मैनुअली ऑपरेट करके दिखाया मैंने ये कितना है ट्वेल्व बारह आता है सॉरी आठ आता है इवेंट का अच्छा आपने फॉर्मूले से कैसे निकाल के लेके आए देखो इस साठ के हमने फैक्टराइज किया था ऐसे ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन ना अगर देखो अब नियम बना रहा हूं अब नियम क्या है पावर को ऐड करके बारह में से माइनस नहीं, नहीं 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 पावर को बारह में से अभी देखो क्या क्या बात कर रहा हूं बेस इवन इसलिए उनका पावर में एड नहीं किया अभी देखो सबका आंसर दे रहा हूं मैं सब क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कैसे कैसे काम करना देखना टोटल ऑल फैक्टर्स फैक्टर्स नंबर ऑफ आई थिंक सबको क्लियर है बना के पावर सबकी पावर में एक एक प्लस कर देंगे और आपस में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो हुआ टोटल फैक्टर्स की बात अब अगर इवन की बात करनी है देखो पहले मैं आपको आइडिया मैनुअली दे रहा हूं कैसे आठ आएंगे इवन चार आएंगे ओड लेकिन हर नंबर को ऐसे हम थोड़ी कर पाएंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा अब वो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं ध्यान देंगे प्लीज अब टोटल यहां पे नजर रखेंगे एन के फैक्टर कर दो प्राइम फैक्टर टू पावर टू प्लस थ्री पावर वन इंटू फाइव पावर वन अगर टोटल चाहिए तो सब पावर में एक एक प्लस करना है, है ना और देखो मैं आपको बताऊं इस टू पावर टू का ओरिजिनल मीनिंग ये है कि ये होगा टू पावर जीरो टू पावर वन और टू पावर टू ये जो टू पावर टू है इसको टू पावर जीरो टू पावर वन टू पावर टू ऐसे मिलना है जब टू पावर वन कर, जीरो करेंगे तो ये वन बन जाएगा और वन ईवेंट नंबर नहीं होता है पहली बात तो ये इसलिए इसको हटाना पड़ता है अच्छा जी इसलिए इसमें एक प्लस नहीं करना पड़ता है आप ध्यान दे पाए इस बात पे मैं क्यों हटा रहा हूं प्लस वन को इस वजह से हटा रहा हूं क्योंकि इवन के लिए हमें टू का मल्टीपल ही चाहिए यहां से अगर मैं टू लू और आगे ओड में से कोई भी नंबर देखो यहां से टू पावर मैंने टू और इसके साथ में कोई भी फैक्टर ले लू चाहिए 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 वो उसको टू के साथ ऑपरेट होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बना देगा इवन बना देगा इसलिए टू की पावर जीरो जो कि वन था वो हटाना है यानी कि इस पावर में वन क्यों नहीं जोड़ना इस वजह से नहीं जोड़ना कि यहां इसकी टू की पावर जीरो जब वन हो जाएगा तो वो ओड बनेगा वो इवन नहीं बनवा रहा है और इस वन से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओड ही रहता ओके तो हम क्या करेंगे अब ध्यान देना बच्चों खास अगर इवन निकालने जा रहे हो तो टू की पावर जो भी है उसमें कुछ जोड़ना नहीं है वो टू एज इट इज और बता रहा हूं मैं नीचे वाले टू को नहीं ले रहा हूं ऊपर वाले टू को ले रहा हूं टू की पावर जीरो अरे बेटा देखो कोई भी नंबर की पावर जीरो कर दो सिवाय जीरो की पावर जीरो मत करना ये वन होता है इसका मतलब देखो ये होता है टू बाई टू यहां भी वन यहां भी वन देखो ये होता है टू पावर वन माइनस वन जो कि टू पावर जीरो और वन होता है जैसे हम बोलते हैं कि दो से दो कट गया उसके लिए ये बात बोलते हैं राइट ठीक ओके ओके थैंक यू जी तो देखिए बेटा जो टू से टू हम बोलते हैं कि कट जाता है वो ये कारण होता है है ना तो एनी नंबर ए रेज टू पावर जीरो ये वन होता है ये साइड सिंथेसिस में आपको पढ़ाया भी जाएगा और मैं आपको बता भी देता हूं कि इसलिए होता है राइट अच्छा बच्चों एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि जो अपनी Uh, साढ़े ग्यारह के बाद ब्रेक के बाद जो अपनी क्लास थी साढ़े बारह से वो थोड़ा सा शिफ्टिंग हुई है वो क्लास आपकी बारह से दो रहेगी अब आप प्लीज नोट करेंगे साढ़े बारह के बजाय आपका अगला जो स्लोट है टाइमिंग जो है वो बारह से दो होगा ये प्लीज आप नोट कर लेंगे और मेरे साथ ही क्लास रहेगी और इन्हीं पॉइंट पे बहुत आगे तक लेके जाना है जो मैंने कहा देखो एन बोल दिया चाहे साठ बोल दो या तीन सौ साठ बोल दो डायरेक्ट है जब मेंस में इसका क्वेश्चन आता है वो ऐसा नहीं बोलते कि एन हम आपको 360, 260 या 1060 बता रहे हैं वहां सब चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी ढूंढना पड़ेगा आपको राइट तो वो इनडायरेक्ट भी आज बात करेंगे सो प्लीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखेंगे 12 से दो क्लास रहेगी ब्रेक आपका आधा घंटे ही रहेगा आज डेली आज ये बेटा सिर्फ आज के लिए है ये बारह से दो सिर्फ आज के लिए बाकी शेड्यूल आपका जो रहता वही रहेगा राइट ठीक है तो आई थिंक आपको पता लग गया कि दो की पावर जीरो करने से वन क्यों आता है अब मैं वापसी करता हूं अपने बैक टू वर्क तो देखो ये जो पावर है टू ये टू वाली पावर लिखी है ना कि ये टू लिखा है ये जो पावर में टू है वो लिखा था और बाकी में सब पावर में वन वन प्लस करना ही है इसमें नहीं छोड़ना ये भी बन गया टू ये भी बन गया टू ये भी और मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली बच्चों हमारा इवन फैक्टर्स का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा एट राइट सुबह बेटा ये सिर्फ आज के लिए है बारह से दो और बाकी शेड्यूल सेम रहेगा आपका जस्ट फॉर टुडे ओनली ओके फाइन आते हैं अपने वापस काम पे टोटल निकाल लिया इवेंट निकाल लिया अब ओड की बात करते हैं मैं आपको कह रहा हूं बेटा ओड जब निकालो ना तो वहां पे ना ये टू मल्टीपल में तो चाहिए ही नहीं कि दो तो पाप आप लगेगा आपको अगर साथ रखा तो मतलब इसको छुपा लो इसको छुपा लो और जो बाकी बचे उनकी पावर में वन प्लस वन प्लस मतलब जो तो टोटल फैक्टर्स है उसमें से पहली चीज गायब हो जाएगी क्योंकि पहली चीज ये दो वाली पावर थी इसको हटा दो और क्या हो जाएगा ये वन प्लस वन और वन प्लस वन यानी तो ये भी टू और ये भी टू तो आंसर आपका क्या बन जाएगा फोर बन जाएगा ये आप ध्यान रखेंगे राइट right? तो देखो कॉम्बिनेशन आपके पूरे जा रहे हैं मैनुअली ऑपरेट करके देखा बारह आया इससे बारह आया इधर चेक करके देखा एक दो तीन चार उधर भी चार आया राइट right? बाकी बारह में से चार घटाओगे तो गिन भी लो या वैसे भी आठ आया तो पहले से आ चुका है देन बहुत बढ़िया देखो प्राइम प्राइम फैक्टर ऑफ एन की अगर हम बात करेंगे तो अब कैसे होगा ये देखते हैं वो भी इसी से जनरेट होगा देखो यहां टू की पावर कितनी है टू है ओके okay जी यहां थ्री की पावर कितनी है ये वन है ठीक है जी यहां फाइव की पावर कितनी है वन है देखो अब की बारी प्राइम मतलब ये दो प्राइम कितनी बारी है दो बारी ये तीन प्राइम कितनी बारी है एक बारी ये पांच प्राइम कितनी बारी है एक बारी, बारी, है? एक बारी है. तो यहां कोई प्लस प्लस का सिस्टम नहीं चलेगा और मैं आपको बता भी दू एक बार ध्यान दो क्या दो देखो ऐसे सर्कल कर रहा हूं क्या ये दो प्राइम है क्या ये तीन प्राइम है क्या ये पांच प्राइम है है ना और कौन प्राइम है चेक करके देखो जब इनको फैक्टराइज़ करेंगे फाइनली एक तो यहां से मिल गया एक यहां से मिल गया एक यहां से मिल गया और कितने नम, बनेंगे आगे भी जब इनको फैक्टराइज़ करेंगे तो ये सब हटाने का यहां पे, क्योंकि अगर एक हजार साठ होगा तो कब तक ये आप करोगे इसमें मैं ऐसे ढूंढ पाया अब आगे आप ये चेक करो कि इनकी पावर में कुछ भी प्लस प्लस नहीं करना और डायरेक्ट काम कर देना है ओड अगेन रिपीट करना सर ओके ओके चलिए मैं प्राइम पे बाद में आता हूं मैं ओड को फिर से बात बता देता हूं देखो बेटा जब टोटल होता है तो उसमें सब पावर का टू प्लस वन वन प्लस वन और वन प्लस वन कर देते हैं तो जब हम ओड निकालेंगे तो ये पहले ब्रैकेट को छुपा लेंगे मतलब जो भी इसमें ओड ओड नंबर दिखेंगे उन ओड नंबर की पावर में एक एक प्लस कर देना इसमें एक प्लस एक इसमें एक प्लस एक और आपस आप में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका राइट right? ओके okay. अच्छा जी अब देखो यहां एक दो तीन नंबर तो ये तीन है प्राइम नंबर जो यहाँ पे दिखे आप तीन आपको जो तीन ही तो आए नहीं यहाँ पे देखो बेटा दो की पावर कितनी आई दो कितनी बारी आया दो दो बार ही आया तो क्या दोनों दो प्राइम नहीं है बिल्कुल है तो हम क्या करेंगे उस केस में अब मैं प्राइम की बात कर रहा हूं बच्चों ध्यान से देखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा ये भी फोर आ जाएगा प्राइम में पावर्स में कुछ प्लस नहीं करना है प्लीज नोट दिस और बाकी सब में कहा कब कैसे क्या करना है ये आप ध्यान देंगे या आप ध्यान रखेंगे राइट right? इस कॉन्सेप्ट पहला और हल्का और इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है सिक्सटी क्योंकि मैं आप सबको फैक्टराइज कर करके बता सकता था जब ये बड़ा होगा तो ऐसे प्राइम इविनो ढूंढने में दिक्कत होगी राइट right? तो उससे बचने के लिए हम सब ये इकट्ठे कर लिए हैं ठीक है बच्चों अभी देखो मैंने सिर्फ डिजिट वाइज आपसे बात की है अब इस एन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे पी क्यू आर एबीसी प्राइम पावर वावर जो भी ऐसा आपने पढ़ के देखा हो कभी वो तो सारे फॉर्मूले बनाएंगे और उनमें कुछ विशेष विशेष चीजें आपको डिस्कस करने वाला हूं राइट तो अभी फिलहाल ये सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं और जब 12 बजे आप लोग मिलने वाले हो तो इसको लेके बहुत दूर तक जाना है बहुत दूर तक मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने कहा देखा पीछे जो मेंस में आए हैं जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो सारे क्वेश्चंस मैं अब इन फैक्टर्स पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं राइट तब तक थोड़ा ब्रेक लेंगे आधा घंटा अब आपके पास ब्रेक है 12 बजे फिर से मिलते हैं इसी प्राइम फैक्टर ओनली 2 3 5 है दीपक बेटा बिल्कुल 2 3 5 है लेकिन इस फैक्टराइजेशन में देखो ये टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव है अब गिनो ये प्राइम हां जी ये प्राइम हां जी ये प्राइम हाँ ये भी प्राइम बिल्कुल आप देखो जो टू है वो टू टाइम्स आया ना इसलिए इसको ऐसा लिखना पड़ेगा राइट ये ध्यान देंगे आप पता लग गया राइट तो चलो बारह बजे फिर से मिलते हैं बच्चों लेकिन आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दीपक टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चार नहीं निकाले हैं बारह निकाले हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो बेटा बारह है एक और एग्जांपल करा दो चलो अभी लो आई थिंक ये सब चीजें आप पकड़ पाए होंगे ब्रेक पे जाने से पहले बच्चों एक बात और देख लेते हैं नहीं तो हो सकता ब्रेक में आपको ये चीजें कंफ्यूजिंग लगे दिक्कत रहे अचानक से देखो एन मैंने यहां पे रख दिया से एट्टी एन यहां पे रख दिया मैंने ट्वेंटी फोर छोटा नंबर ले लिया ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिले और फिर इसको एबीसी टाइप में बात करेंगे देखो इस एन के ना फैक्टर चौबीस दो गुना में दो गुना में दो गुना में तीन यानी ये बन गया टू पावर थ्री इंटू थ्री पावर वन राइट तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर एक एक माने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसकी पावर में एक जोड़ो और इसकी पावर में एक जोड़ो तो ये बन गया चार गुना में दो बेटा आठ बन गया देखो ये नंबर दो अगर आपको चाहिए इवन फैक्टर इवन फैक्टर में आपने देखा था कि हम इस पावर में वन प्लस नहीं करते ये रहा देखो ये जवाब तो ये तीन एज इट इज रहेगा और अगली पावर में वन प्लस करते ही है तो ये तीन गुना में दो यानी कितना हो गया छे हो गया राइट अच्छा जी अगर नंबर तीन आपको चाहिए होगा देखो ये राउड फैक्टर क्या किया था ये दो वाले को भूल जाओ और आगे जो है वन प्लस वन किया तो कितना आ गया टू आ गया राइट ये बात आपको ध्यान देनी होगी ऐसे चेक करना होगा यहां दोनों ही प्राइम है तो देखो तीन और एक चार चार इसका फैक्टर बन जाएगा प्राइम वाले तो ये आपको ध्यान देना होता है राइट right? अच्छा अभी आज दोनों छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं और अभी ब्रेक के बाद इन क्वेश्चंस को हम बड़े लेवल तक लेके जाएंगे अभी ना इनका हमने सम निकाला है ना एवरेज निकाला है ना प्रोडक्ट निकाला है सिंपल डिस्प्ले करने का तरीका पता लगा है और इनके लिए विशेष फॉर्मूला बनाने वाले हैं ठीक है ओके चलिए ब्रेक लेते हैं बाय बाय मिलते हैं फिर